सो क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। गाइस आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ऐ दिल है मुश्किल मूवी के बारे में। अगर दोस्तों आप इस मूवी को ढूंढ रहे हैं और आप इस मूवी को कैसे हिंदी भाषा में देख पाएंगे, जाने की पूरी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ऐ दिल है मुश्किल के बारे में। और इस मूवी को अगर आप YouTube पर ढूंढ रहे हैं कैसे कहां पर देखने को मिलेगी, तो आज के इस वीडियो के अंदर सारी जानकारी मिल जाएगी। तो यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। बात करें दोस्तों ऐ दिल है मुश्किल मूवी के बारे में, तो साल 2016 में रिलीज हुई मूवी, काफ़ी अच्छी खासी रोमांस म्यूजिकल पर आधारित मूवी ऐ दिल है मुश्किल, जिसको की डायरेक्ट किया करण जौहर ने। और वहीं पर दोस्तों इस मूवी की अगर बात कर लें पॉजिटिव रिव्यू को लेकर, तो ऑडियंस की तरफ से काफ़ी ठीक ठाक से रिव्यूज इस मूवी को मिले हुए हैं। वहीं पर अगर इसकी रेटिंग वगैरह को लेकर बात कर लें, तो 5.8 आउट ऑफ 10 की कुछ IMDB की रेटिंग है इस मूवी को मिली हुई है। और वहीं पर इस मूवी को हैश सेकेंड पार्ट का जो है यहाँ पर पॉपुलर म्यूजिक सर्च का ट्रेड वो भी मिल रखा है। आप यहाँ पर पता ही होगा जैसे कि रोमांस म्यूजिकल पर आधारित मूवी है। वहीं पर अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं, तो आपके लिए बताना चाहूँगा ये जो मूवी है नेटफ्लिक्स के अलावा अमेजोन पर भी अवेलेबल है। जी दोस्तों, जिसको भी डिजिटल प्रेमर देखना पसंद है, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं, तो ऑफिशियली रूप से आप यहां पर देख सकते हैं नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर, जो कि OTT के रूप में आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसे में अगर बात कर लें यूट्यूब को लेकर, तो देखिए दोस्तों अभी तक ये ऑफिशियली रूप से यूट्यूब पर कोई भी फ्री में अवेलेबल नहीं है, बाकी पैड रूप में आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाएगी। तो आई होप जो भी यूट्यूब को लेकर जानकारी होगी वो आपको क्लियर हो चुकी कि ये जो मूवी है यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो यूट्यूब पर तो आपको पैड रूप में देखने को मिल जाएगी, लेकिन अभी फ्यूचर ऑफिशियल कोई भी चैनल पर ये मूवी अवेलेबल नहीं है। बाकी दोस्तों अगर बात कर लें इस मूवी के बारे में, तो काफ़ी ठीक ठाक अच्छी मूवी है, उस टाइम के टाइम पे आधारित साबित हुई थी। और ऐसे में अगर दोस्तों बात कर लें इस मूवी की कुछ स्टोरी वगैरह को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी लव स्टोरी पर आधारित एक मूवी है। एक जो कह सकते हैं एक लेडीज़ के ऊपर जो कि अलीजे ब्रेकअप से उभरती है, और यहाँ पर एक संगीतकार जैसे कि हमारे भाई साहब रणवीर कपूर जो कि सिंगर के रूप में देखने को मिलते हैं न्यूयॉर्क में, और वहाँ पर उनसे हो जाता है लव, और उसके आगे की जो कहानी है काफ़ी सैडनेस लाइफ से काफ़ी गुजरते हैं दोनों, और काफ़ी दोस्ती और प्यार का आपको काफ़ी वो देखने को मिलता है इस मूवी में, रोमांस देखने को मिलता है। और ये इसकी जो कहानी आपको इसके आसपास ही घूमती रहती है, और काफ़ी लव रोमांस आपको मूवी में देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छी खासी मूवी है, एंड आपको इसकी जो स्टोरी है काफ़ी ज़्यादा जो पसंद है वहाँ पर आ सकती है। वैसे अगर कास्ट लेकर हम बात कर रहे हैं, तो अगर बात कर लें इस मूवी के मैन लीड एक्ट्रेस के बारे में, तो वहीं पर इस मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे रणवीर कपूर, अनुष्का शर्मा, ऐश्वर्या राय बच्चन, फवाद खान, आलिया भट्ट, शाहरुख खान, ऐसे बहुत से जो कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और काफ़ी ताबड़तोड़ एक्शन जो कह सकते हैं रोमांस मूवी है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ऐसे में दोस्तों काफ़ी जो पॉपुलर सॉन्ग्स हैं इस मूवी में दिए हैं, जो कि काफ़ी ट्रेंड में भी अभी तक देखने को मिलते हैं। वहीं पर अगर दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया इस मूवी के कलेक्शन के बारे में, जैसे कि काफ़ी सुपरहिट साबित हुई थी उस टाइम पे 2016 की करीब, इसका जो बजट था लगभग 50 करोड़ के आसपास था। और इस मूवी ने जो वर्ल्ड वाइड टोटल अगर कलेक्शन की बात करें कि वर्ल्ड वाइड कितना कमाई की है, तो 238 करोड़ के आसपास उस टाइम पे इस मूवी ने जो है कमाई की थी, और काफ़ी ठीक ठाक सी मूवी साबित हुई थी। ऐसे में इस मूवी को लेके पॉजिटिव रिव्यूज़ काफ़ी आए थे। वहीं पर आपको बताना चाहूँगा इस मूवी को करण जौहर बनाने के लिए इंस्पायर हुए थे खुद की पर्सनल लाइफ को लेकर। जी हाँ दोस्तों, करण जौहर इंस्पायर हुए थे खुद की पर्सनल लाइफ को लेके, तब जाके यहाँ पर उन्होंने इस मूवी की कुछ स्क्रिप्ट तैयार की थी और यहाँ पर इस मूवी को बनाने का सोचा था, और काफ़ी मूवी भी ठीक ठाक सी चल गई थी। ऐसे में दोस्तों इस मूवी को आप देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, आप हमें कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं कि आप इस मूवी को देख चुके हैं या फिर देखने चाहते हैं, तो अपनी राय के बार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों को लगता है कि ये मूवी देखने लायक है फिर हमें देखनी चाहिए, तो अगर दोस्तों आपको रोमांस म्यूजिकल मूवी देखना पसंद है, लव स्टोरी मूवीज देखना पसंद है, तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं और इस मूवी का एंजॉय वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको मूवी कहीं ना कहीं काफ़ी जो पसंद है वो यहाँ पर आ सकती है। और वैसे दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि इस मूवी ने काफ़ी अच्छे खासे सॉन्ग्स हैं वो यहाँ पर दिए हैं, जिसमें कि सबसे पहले पॉपुलर सॉन्ग ऐ दिल है
मुश्किल, बुल्लिया, द ब्रेकअप सॉन्ग, चन्ना मेरेया, ऐसे बहुत से सॉन्ग्स हैं इस मूवी से जो हैं हमें देखने को मिले हैं और काफ़ी आज के टाइम में भी ट्रेंड में चल रहे हैं। तो ऐसे में काफ़ी ठीक ठाक सी मूवी हो जाती है। तो जो लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर देख सकते हैं। और अगर कुछ बात कर लें इस मूवी के सैटेलाइट प्रीमियर के बारे में, तो सैटेलाइट प्रीमियर के जो राइट्स हैं अवेलेबल हैं YPM 18 के पास। और इस मूवी के आए दिन जो TV प्रीमियर होता रहता है कलर सिनेप्लेक्स चैनल पर, और जब इस मूवी को रिलीज करके सिनेमाघरों के बाद OTT पर होने के बाद ये मूवी हमें देखने को मिली थी TV पर फर्स्ट टाइम कलर्स चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, कलर्स TV पर ये प्रीमियर की गई थी, क्योंकि उस टाइम पर ना ही कलर्स YPM 18 का कोई कलर्स मूवी कोई चैनल नहीं था। तो इस टाइप से उस टाइम पर कलर्स TV जो सीरियल का चैनल है वहाँ पर इस मूवी का TV प्रीमियर फर्स्ट टाइम पर हमें देखने को मिला था। और कुछ टाइम में अब आपको ये जो मूवी है देखने को मिलती रहती है कलर्स सिनेप्लेक्स, कलर्स सिनेप्लेक्स सुपर हिट्स, कलर्स सिनेप्लेक्स बॉलीवुड, इन चैनल्स पर देखने को आए दिन मिलती रहती है। तो ऐसे में जो मूवी है आप नेटफ्लिक्स अमेजोन पर वॉच कर सकते हैं। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी के कुछ फैक्ट्स वगैरह को लेकर, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इस मूवी में फवाद खान जो हैं वो यहाँ पर पाकिस्तान के एक्ट्रेस हैं जो कि हमें इस मूवी में देखने को मिले हैं। और ऐसे में दोस्तों अगर कुछ अलग अपडेट को लेकर बात करें, तो काफ़ी जो फैंस का यहाँ पर कहना था कि इस मूवी में आलिया भट्ट का रोल है कौन सी जगह पर हमें देखने को मिलता है, तो आपको बताना चाहूँगा इस मूवी में द ब्रेकअप सॉन्ग देखने को मिलता है जो कि DJ पर चलता है, तो वहीं पर हमें आलिया भट्ट का रोल देखने को मिलता है। वहीं पर लास्ट सीन में आपको देखने को मिलता है कुछ क्लिप जो देखने को मिलती है, वहाँ पर शाहरुख खान को भी दिखाया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि इस मूवी में आलिया भट्ट भी और शाहरुख खान भी आधारित हैं जो कि यहाँ पर देखने को मिले हैं, उन्होंने भी रोल किया है। तो काफ़ी लोगों को यहाँ पर नहीं पता है, ऐसे में एक्ट्रेस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। तो यही है दोस्तों कुछ इस मूवी की कहानी, फैक्ट्स, और यहाँ पर आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। बाकी दोस्तों आप सभी से मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में। आज की है वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली अपकमिंग OTT वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर अपडेट्स हैं उनकी सारी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। और आप कोई भी नई मूवी आए वो कैसे और कहाँ पर देख सकते हैं पूरी जानकारी और साथ ही साथ रिव्यू भी देखने को मिल जाते हैं। तो आप हमारे चैनल्स पर बने रहिएगा। मिलते हैं आप सभी से किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में। वीडियो देखने के लिए सो क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। गाइस आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ऐ दिल है मुश्किल मूवी के बारे में। अगर दोस्तों आप इस मूवी को ढूंढ रहे हैं और आप इस मूवी को कैसे हिंदी भाषा में देख पाएंगे, जाने की पूरी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ऐ दिल है मुश्किल के बारे में। और इस मूवी को अगर आप YouTube पर ढूंढ रहे हैं कैसे कहां पर देखने को मिलेगी, तो आज के इस वीडियो के अंदर सारी जानकारी मिल जाएगी। तो यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। बात करें दोस्तों ऐ दिल है मुश्किल मूवी के बारे में, तो साल 2016 में रिलीज हुई मूवी काफ़ी अच्छी खासी रोमांस म्यूजिकल पर आधारित मूवी ऐ दिल है मुश्किल, जिसको की डायरेक्ट किया करण जौहर ने। और वहीं पर दोस्तों इस मूवी की अगर बात कर लें पॉजिटिव रिव्यू को लेकर, तो ऑडियंस की तरफ से काफ़ी ठीक ठाक से रिव्यूज इस मूवी को मिले हुए हैं। वहीं पर अगर इसकी रेटिंग वगैरह को लेकर बात कर लें, तो 5.8 आउट ऑफ 10 की कुछ IMDB की रेटिंग है इस मूवी को मिली हुई है। और वहीं पर इस मूवी को हैश सेकेंड पार्ट का जो है यहाँ पर पॉपुलर म्यूजिक सर्च का ट्रेड वो भी मिल रखा है। आप यहाँ पर पता ही होगा जैसे कि रोमांस म्यूजिकल पर आधारित मूवी है। वहीं पर अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आपके लिए बताना चाहूँगा ये जो मूवी है नेटफ्लिक्स के अलावा अमेजोन पर भी अवेलेबल है। जी दोस्तों, जिसको भी डिजिटल प्रीमियर देखना पसंद है, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ऑफिशियली रूप से आप यहां पर देख सकते हैं नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर, जो कि OTT के रूप में आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसे में अगर बात कर लें YouTube को लेकर, तो देखिए दोस्तों अभी तक ये ऑफिशियली रूप से YouTube पर कोई भी फ्री में अवेलेबल नहीं है, बाकी पैड रूप में आपको YouTube पर भी देखने को मिल जाएगी। तो आई होप जो भी YouTube को लेकर जानकारी होगी वो आपको क्लियर हो चुकी कि ये जो मूवी है YouTube पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो YouTube पर तो आपको पैड रूप में देखने को मिल जाएगी, लेकिन अभी फ्यूचर ऑफिशियल कोई भी चैनल पर ये मूवी अवेलेबल नहीं है। बाकी दोस्तों अगर बात कर लें इस मूवी के बारे में, तो काफ़ी ठीक ठाक अच्छी मूवी है, उस टाइम के टाइम पे आधारित साबित हुई थी।
और ऐसे में अगर दोस्तों बात कर लें इस मूवी की कुछ स्टोरी वगैरह को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी लव स्टोरी पर आधारित एक मूवी है। एक जो कह सकते हैं एक लेडीज के ऊपर जो कि अलीजे ब्रेकअप से उभरती है, और यहाँ पर एक संगीतकार जैसे कि हमारे भाई साहब रणवीर कपूर जो कि सिंगर के रूप में देखने को मिलते हैं न्यूयॉर्क में, और वहाँ पर उनसे हो जाता है लव, और उसके आगे की जो कहानी है काफ़ी सैडनेस लाइफ से काफ़ी गुजरते हैं दोनों, और काफ़ी दोस्ती और प्यार का आपको काफ़ी वो देखने को मिलता है इस मूवी में, रोमांस देखने को मिलता है, और ये इसकी जो कहानी आपको इसके आसपास ही घूमती रहती है, और काफ़ी लव रोमांस आपको मूवी में देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छी खासी मूवी है एंड आपको इसकी जो स्टोरी है काफ़ी ज़्यादा जो पसंद है वहाँ पर आ सकती है। वैसे अगर कास्ट लेकर हम बात कर रहे हैं तो अगर बात कर लें इस मूवी के मैन लीड एक्ट्रेस के बारे में, तो वहीं पर इस मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे रणवीर कपूर, अनुष्का शर्मा, ऐश्वर्या राय बच्चन, फवाद खान, आलिया भट्ट, शाहरुख खान, ऐसे बहुत से जो कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, और काफ़ी ताबड़तोड़ एक्शन जो कह सकते हैं रोमांस मूवी है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ऐसे में दोस्तों काफ़ी जो पॉपुलर सॉन्ग्स हैं इस मूवी में दिए हैं जो कि काफ़ी ट्रेंड में भी अभी तक देखने को मिलते हैं। वहीं पर अगर दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया इस मूवी के कलेक्शन के बारे में, जैसे कि काफ़ी सुपरहिट साबित हुई थी उस टाइम पे 2016 की करीब, इसका जो बजट था लगभग 50 करोड़ के आसपास था, और इस मूवी ने जो वर्ल्ड वाइड टोटल अगर कलेक्शन की बात करें कि वर्ल्ड वाइड कितना कमाई की है, तो 238 करोड़ के आसपास उस टाइम पे इस मूवी ने जो है कमाई की थी, और काफ़ी ठीक ठाक सी मूवी साबित हुई थी। ऐसे में इस मूवी को लेके पॉजिटिव रिव्यूज़ काफ़ी आए थे। वहीं पर आपको बताना चाहूँगा इस मूवी को करण जौहर बनाने के लिए इंस्पायर हुए थे खुद की पर्सनल लाइफ को लेकर। जी हाँ दोस्तों, करण जौहर इंस्पायर हुए थे खुद की पर्सनल लाइफ को लेके, तब जाके यहाँ पर उन्होंने इस मूवी की कुछ स्क्रिप्ट तैयार की थी और यहाँ पर इस मूवी को बनाने का सोचा था, और काफ़ी मूवी भी ठीक ठाक सी चल गई थी। ऐसे में दोस्तों इस मूवी को आप देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं आप हमें कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं कि आप इस मूवी को देख चुके हैं या फिर देखने चाहते हैं, तो अपनी राय के बारे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों को लगता है कि ये मूवी देखने लायक है फिर हमें देखनी चाहिए, तो अगर दोस्तों आपको रोमांस म्यूजिकल मूवी देखना पसंद है, लव स्टोरी मूवीज़ देखना पसंद है, तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं और इस मूवी का एंजॉय वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको मूवी कहीं ना कहीं काफ़ी जो पसंद है वो यहाँ पर आ सकती है। और वैसे दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि इस मूवी ने काफ़ी अच्छे खासे सॉन्ग्स हैं वो यहाँ पर दिए हैं, जिसमें कि सबसे पहले पॉपुलर सॉन्ग ऐ दिल मुश्किल, बुलिया, द ब्रेकअप सॉन्ग, चन्ना मेरेया, ऐसे बहुत से सॉन्ग्स हैं इस मूवी से जो हैं हमें देखने को मिले हैं, और काफ़ी आज के टाइम में भी ट्रेंड में चल रहे हैं, तो ऐसे में काफ़ी ठीक ठाक सी मूवी हो जाती है। तो जो लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर देख सकते हैं। और अगर कुछ बात कर लें इस मूवी के सैटेलाइट प्रीमियर के बारे में, तो सैटेलाइट प्रीमियर के जो राइट्स हैं अवेलेबल हैं YPM 18 के पास, और इस मूवी के आए दिन जो TV प्रीमियर होता रहता है कलर सिनेप्लेक्स चैनल पर, और जब इस मूवी को रिलीज़ करके सिनेमाघरों के बाद OTT पर होने के बाद ये मूवी हमें देखने को मिली थी TV पर फर्स्ट टाइम कलर्स चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, कलर्स TV पर ये प्रीमियर की गई थी, क्योंकि उस टाइम पर ना ही कलर्स YPM 18 का कोई कलर्स मूवी कोई चैनल नहीं था, तो इस टाइप से उस टाइम पर कलर्स TV जो सीरियल का चैनल है वहाँ पर इस मूवी का TV प्रीमियर फर्स्ट टाइम पर हमें देखने को मिला था। और कुछ टाइम में अब आपको ये जो मूवी है देखने को मिलती रहती है कलर्स सिनेप्लेक्स, कलर्स सिनेप्लेक्स सुपर हिट्स, कलर्स सिनेप्लेक्स बॉलीवुड, इन चैनल्स पर देखने को आए दिन मिलती रहती है। तो ऐसे में जो मूवी है आप नेटफ्लिक्स अमेजोन पर वॉच कर सकते हैं। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी के कुछ फैक्ट्स वगैरह को लेकर, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इस मूवी में फवाद खान जो हैं वो यहाँ पर पाकिस्तान के एक्ट्रेस हैं जो कि हमें इस मूवी में देखने को मिले हैं। और ऐसे में दोस्तों अगर कुछ अलग अपडेट को लेकर बात करें, तो काफ़ी जो फैंस का यहाँ पर कहना था कि इस मूवी में आलिया भट्ट का रोल है कौन सी जगह पर हमें देखने को मिलता है, तो आपको बताना चाहूँगा इस मूवी में द ब्रेकअप सॉन्ग देखने को मिलता है जो कि DJ पर चलता है, तो वहीं पर हमें आलिया भट्ट का रोल देखने को मिलता है। वहीं पर लास्ट सीन में आपको देखने को मिलता है कुछ क्लिप जो देखने को मिलती है वहाँ पर शाहरुख खान को भी दिखाया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि इस मूवी में आलिया भट्ट भी और शाहरुख खान भी
आधारित हैं जो कि यहाँ पर देखने को मिले हैं, उन्होंने भी रोल किया है, तो काफ़ी लोगों को यहाँ पर नहीं पता है। ऐसे में एक्ट्रेस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। तो यही है दोस्तों कुछ इस मूवी की कहानी, फैक्ट्स, और यहाँ पर आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। बाकी दोस्तों आप सभी से मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में। आज की है वीडियो, आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली अपकमिंग OTT वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर अपडेट्स हैं उनकी सारी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सकें, और आप कोई भी नई मूवी आए वो कैसे और कहाँ पर देख सकते हैं पूरी जानकारी और साथ ही साथ रिव्यू भी देखने को मिल जाते हैं। तो आप हमारे चैनल्स पर बने रहिएगा। मिलते हैं आप सभी से किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में। वीडियो देखने के लिए सो क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। गाइज आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ऐ दिल है मुश्किल मूवी के बारे में। अगर दोस्तों आप इस मूवी को ढूंढ रहे हैं और आप इस मूवी को कैसे हिंदी भाषा में देख पाएंगे, जाने की पूरी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ऐ दिल है मुश्किल के बारे में। और इस मूवी को अगर आप YouTube पर ढूंढ रहे हैं कैसे कहां पर देखने को मिलेगी, तो आज के इस वीडियो के अंदर सारी जानकारी मिल जाएगी। तो यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। बात करें दोस्तों ऐ दिल है मुश्किल मूवी के बारे में, तो साल 2016 में रिलीज हुई मूवी, काफ़ी अच्छी खासी रोमांस म्यूजिकल पर आधारित मूवी ऐ दिल है मुश्किल, जिसको कि डायरेक्ट किया करण जौहर ने। और वहीं पर दोस्तों इस मूवी की अगर बात कर लें पॉजिटिव रिव्यू को लेकर, तो ऑडियंस की तरफ से काफ़ी ठीक ठाक से रिव्यूज इस मूवी को मिले हुए हैं। वहीं पर अगर इसकी रेटिंग वगैरह को लेकर बात कर लें, तो 5.8 आउट ऑफ 10 की कुछ IMDB की रेटिंग है इस मूवी को मिली हुई है। और वहीं पर इस मूवी को हैश सेकेंड पार्ट का जो है यहाँ पर पॉपुलर म्यूजिक सर्च का ट्रेड वो भी मिल रखा है। आप यहाँ पर पता ही होगा जैसे कि रोमांस म्यूजिकल पर आधारित मूवी है। वहीं पर अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आपके लिए बताना चाहूँगा ये जो मूवी है नेटफ्लिक्स के अलावा Amazon पर भी अवेलेबल है। जी दोस्तों, जिसको भी डिजिटल प्रेमर देखना पसंद है, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ऑफिशियली रूप से आप यहां पर देख सकते हैं नेटफ्लिक्स और Amazon पर, जो कि OTT के रूप में आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसे में अगर बात कर लें YouTube को लेकर, तो देखिए दोस्तों अभी तक ये ऑफिशियली रूप से YouTube पर कोई भी फ्री में अवेलेबल नहीं है, बाकी पैड रूप में आपको YouTube पर भी देखने को मिल जाएगी। तो आई होप जो भी YouTube को लेकर जानकारी होगी वो आपको क्लियर हो चुकी कि ये जो मूवी है YouTube पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो YouTube पर तो आपको पैड रूप में देखने को मिल जाएगी, लेकिन अभी फ्यूचर ऑफिशियल कोई भी चैनल पर ये मूवी अवेलेबल नहीं है। बाकी दोस्तों अगर बात कर लें इस मूवी के बारे में, तो काफ़ी ठीक ठाक अच्छी मूवी है, उस टाइम के टाइम पे आधारित साबित हुई थी। और ऐसे में अगर दोस्तों बात कर लें इस मूवी की कुछ स्टोरी वगैरह को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी लव स्टोरी पर आधारित एक मूवी है। एक जो कह सकते हैं एक लेडीज़ के ऊपर जो कि अलीजे ब्रेकअप से उभरती है, और यहाँ पर एक संगीतकार जैसे कि हमारे भाई साहब रणवीर कपूर जो कि सिंगर के रूप में देखने को मिलते हैं न्यूयॉर्क में, और वहाँ पर उनसे हो जाता है लव, और उसके आगे की जो कहानी है काफ़ी सैडनेस लाइफ से काफ़ी गुजरते हैं दोनों, और काफ़ी दोस्ती और प्यार का आपको काफ़ी वो देखने को मिलता है इस मूवी में, रोमांस देखने को मिलता है। और ये इसकी जो कहानी आपको इसके आसपास ही घूमती रहती है, और काफ़ी लव रोमांस आपको मूवी में देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छी खासी मूवी है, एंड आपको इसकी जो स्टोरी है काफ़ी ज़्यादा जो पसंद है वहाँ पर आ सकती है। वैसे अगर कास्ट लेकर हम बात कर रहे हैं, तो अगर बात कर लें इस मूवी के मैन लीड एक्ट्रेस के बारे में, तो वहीं पर इस मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा, ऐश्वर्या राय बच्चन, फवाद खान, आलिया भट्ट, शाहरुख खान, ऐसे बहुत से जो कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और काफ़ी ताबड़तोड़ एक्शन जो कह सकते हैं रोमांस मूवी है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ऐसे में दोस्तों काफ़ी जो पॉपुलर सॉन्ग्स हैं इस मूवी में दिए हैं, जो कि काफ़ी ट्रेंड में भी अभी तक देखने को मिलते हैं। वहीं पर अगर दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया इस मूवी के कलेक्शन के बारे में, जैसे कि काफ़ी सुपरहिट साबित हुई थी उस टाइम पे 2016 की करीब, इसका जो बजट था लगभग 50 करोड़ के आसपास था, और इस मूवी ने जो वर्ल्ड वाइड टोटल अगर कलेक्शन की बात करें कि वर्ल्ड वाइड कितना कमाई की है, तो 238 करोड़ के आसपास उस टाइम पे इस मूवी ने जो है कमाई की थी, और काफ़ी ठीक ठाक सी मूवी साबित हुई थी। ऐसे में इस मूवी को लेके पॉजिटिव रिव्यूज़ काफ़ी आए थे। वहीं पर आपको बताना चाहूँगा इस मूवी को
करण जौहर बनाने के लिए इंस्पायर हुए थे खुद की पर्सनल लाइफ को लेकर। जी हाँ दोस्तों, करण जौहर इंस्पायर हुए थे खुद की पर्सनल लाइफ को लेकर, तब जाके यहाँ पर उन्होंने इस मूवी की कुछ स्क्रिप्ट तैयार की थी और यहाँ पर इस मूवी को बनाने का सोचा था और काफ़ी मूवी भी ठीक ठाक सी चल गई थी। ऐसे में दोस्तों इस मूवी को आप देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, आप हमें कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं कि आप इस मूवी को देख चुके हैं या फिर देखने चाहते हैं, तो अपनी राय के बारे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों को लगता है कि ये मूवी देखने लायक है या फिर हमें देखनी चाहिए, तो अगर दोस्तों आपको रोमांस म्यूजिकल मूवी देखना पसंद है, लव स्टोरी मूवीज़ देखना पसंद है, तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं और इस मूवी का एंजॉय वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको मूवी कहीं ना कहीं काफ़ी जो पसंद है वो यहाँ पर आ सकती है। और वैसे दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि इस मूवी ने काफ़ी अच्छे खासे सॉन्ग्स हैं वो यहाँ पर दिए हैं, जिसमें कि सबसे पहले पॉपुलर सॉन्ग ए दिल मुश्किल, बुलिया, द ब्रेकअप सॉन्ग, चन्ना मेरेया, ऐसे बहुत से सॉन्ग्स हैं इस मूवी से जो हैं हमें देखने को मिले हैं और काफ़ी आज के टाइम में भी ट्रेंड में चल रहे हैं। तो ऐसे में काफ़ी ठीक ठाक सी मूवी हो जाती है। तो जो लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर देख सकते हैं। और अगर कुछ बात कर लें इस मूवी के सैटेलाइट प्रीमियर के बारे में, तो सैटेलाइट प्रीमियर के जो राइट्स हैं अवेलेबल हैं YPM 18 के पास, और इस मूवी के आए दिन जो TV प्रीमियर होता रहता है कलर सिनेप्लेक्स चैनल पर, और जब इस मूवी को रिलीज़ करके सिनेमाघरों के बाद OTT पर होने के बाद ये मूवी हमें देखने को मिली थी TV पर फर्स्ट टाइम कलर्स चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, कलर्स TV पर ये प्रीमियर की गई थी, क्योंकि उस टाइम पर ना ही कलर्स YPM 18 का कोई कलर्स मूवी कोई चैनल नहीं था, तो इस टाइप से उस टाइम पर कलर्स TV जो सीरियल का चैनल है वहाँ पर इस मूवी का TV प्रीमियर फर्स्ट टाइम पर हमें देखने को मिला था। और कुछ टाइम में अब आपको ये जो मूवी है देखने को मिलती रहती है कलर्स सिनेप्लेक्स, कलर्स सिनेप्लेक्स सुपर हिट्स, कलर्स सिनेप्लेक्स बॉलीवुड, इन चैनल्स पर देखने को आए दिन मिलती रहती है। तो ऐसे में जो मूवी है आप नेटफ्लिक्स अमेजोन पर वॉच कर सकते हैं। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी के कुछ फैक्ट्स वगैरह को लेकर, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इस मूवी में फवाद खान जो हैं वो यहाँ पर पाकिस्तान के एक्ट्रेस हैं जो कि हमें इस मूवी में देखने को मिले हैं। और ऐसे में दोस्तों अगर कुछ अलग अपडेट को लेकर बात करें, तो काफ़ी जो फैंस का यहाँ पर कहना था कि इस मूवी में आलिया भट्ट का रोल है कौन सी जगह पर हमें देखने को मिलता है, तो आपको बताना चाहूँगा इस मूवी में द ब्रेकअप सॉन्ग देखने को मिलता है जो कि DJ पर चलता है, तो वहीं पर हमें आलिया भट्ट का रोल देखने को मिलता है। वहीं पर लास्ट सीन में आपको देखने को मिलता है कुछ क्लिप जो देखने को मिलती है वहाँ पर शाहरुख खान को भी दिखाया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि इस मूवी में आलिया भट्ट भी और शाहरुख खान भी आधारित हैं जो कि यहाँ पर देखने को मिले हैं, उन्होंने भी रोल किया है, तो काफ़ी लोगों को यहाँ पर नहीं पता है। ऐसे में एक्ट्रेस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। तो यही है दोस्तों कुछ इस मूवी की कहानी फैक्ट्स, और यहाँ पर आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। बाकी दोस्तों आप सभी से मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में। आज की है वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली अपकमिंग OTT वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर अपडेट्स हैं उनकी सारी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सकें, और आप कोई भी नई मूवी आए वो कैसे और कहां पर देख सकते हैं पूरी जानकारी और साथ ही साथ रिव्यू भी देखने को मिल जाते हैं। तो आप हमारे चैनल्स पर बने रहिएगा। मिलते हैं आप सभी से किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में। वीडियो देखने के लिए सो क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। गाइस आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ए दिल है मुश्किल मूवी के बारे में। अगर दोस्तों आप इस मूवी को ढूंढ रहे हैं और आप इस मूवी को कैसे हिंदी भाषा में देख पाएंगे, जाने की पूरी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ए दिल है मुश्किल के बारे में। और इस मूवी को अगर आप YouTube पर ढूंढ रहे हैं कैसे कहां पर देखने को मिलेगी, तो आज के इस वीडियो के अंदर सारी जानकारी मिल जाएगी। तो यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। बात करें दोस्तों ए दिल है मुश्किल मूवी के बारे में, तो साल 2016 में रिलीज हुई मूवी, काफ़ी अच्छी खासी रोमांस म्यूजिकल पर आधारित मूवी ए दिल है मुश्किल, जिसको की डायरेक्ट किया करण जौहर ने। और वहीं पर दोस्तों इस मूवी की अगर बात कर लें पॉजिटिव रिव्यू को लेकर, तो ऑडियंस की तरफ से काफ़ी ठीक ठाक से रिव्यूज इस मूवी को मिले हुए हैं। वहीं पर अगर इसकी रेटिंग वगैरह को लेकर बात कर लें, तो 5.8 आउट ऑफ 10 की कुछ IMDB की रेटिंग है इस मूवी को मिली हुई है। और वहीं पर इस मूवी को हैश सेकेंड पार्ट का जो है यहाँ पर पॉपुलर म्यूजिक सर्च का ट्रेड वो भी मिल रखा है। आप यहाँ पर पता ही होगा जैसे कि रोमांस म्यूजिकल पर आधारित मूवी है, वहीं पर अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आपके लिए बताना चाहूँगा ये जो मूवी है
नेटफ्लिक्स के अलावा अमेजोन पर भी अवेलेबल है। जी दोस्तों, जिसको भी डिजिटल प्रेमर देखना पसंद है, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ऑफिशियली रूप से आप यहां पर देख सकते हैं नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर, जो कि OTT के रूप में आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसे में अगर बात कर लें यूट्यूब को लेकर, तो देखिए दोस्तों, अभी तक ये ऑफिशियली रूप से यूट्यूब पर कोई भी फ्री में अवेलेबल नहीं है, बाकी पैड रूप में आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाएगी। तो आई होप जो भी यूट्यूब को लेकर जानकारी होगी वो आपको क्लियर हो चुकी कि ये जो मूवी है यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो यूट्यूब पर तो आपको पैड रूप में देखने को मिल जाएगी, लेकिन अभी फ्यूचर ऑफिशियल कोई भी चैनल पर ये मूवी अवेलेबल नहीं है। बाकी दोस्तों, अगर बात कर लें इस मूवी के बारे में, तो काफ़ी ठीक ठाक अच्छी मूवी है, उस टाइम के टाइम पे आधारित साबित हुई थी। और ऐसे में अगर दोस्तों बात कर लें इस मूवी की कुछ स्टोरी वगैरह को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी लव स्टोरी पर आधारित एक मूवी है। एक जो कह सकते हैं एक लेडीज़ के ऊपर जो कि अलीजे ब्रेकअप से उभरती है, और यहाँ पर एक संगीतकार जैसे कि हमारे भाई साहब रणवीर कपूर जो कि सिंगर के रूप में देखने को मिलते हैं न्यूयॉर्क में, और वहाँ पर उनसे हो जाता है लव, और उसके आगे की जो कहानी है काफ़ी सैडनेस लाइफ से काफ़ी गुजरते हैं दोनों, और काफ़ी दोस्ती और प्यार का आपको काफ़ी वो देखने को मिलता है इस मूवी में, रोमांस देखने को मिलता है। और ये इसकी जो कहानी आपको इसके आसपास ही घूमती रहती है, और काफ़ी लव रोमांस आपको मूवी में देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छी खासी मूवी है, एंड आपको इसकी जो स्टोरी है काफ़ी ज़्यादा जो पसंद है वहाँ पर आ सकती है। वैसे अगर कास्ट लेकर हम बात कर रहे हैं, तो अगर बात कर लें इस मूवी के मैन लीड एक्ट्रेस के बारे में, तो वहीं पर इस मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा, ऐश्वर्या राय बच्चन, फवाद खान, आलिया भट्ट, शाहरुख खान, ऐसे बहुत से जो कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, और काफ़ी ताबड़तोड़ एक्शन जो कह सकते हैं रोमांस मूवी है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ऐसे में दोस्तों काफ़ी जो पॉपुलर सॉन्ग्स हैं इस मूवी में दिए हैं, जो कि काफ़ी ट्रेंड में भी अभी तक देखने को मिलते हैं। वहीं पर अगर दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया इस मूवी के कलेक्शन के बारे में, जैसे कि काफ़ी सुपरहिट साबित हुई थी उस टाइम पे 2016 की करीब, इसका जो बजट था लगभग 50 करोड़ के आसपास था, और इस मूवी ने जो वर्ल्ड वाइड टोटल अगर कलेक्शन की बात करें कि वर्ल्ड वाइड कितना कमाई की है, तो 238 करोड़ के आसपास उस टाइम पे इस मूवी ने जो है कमाई की थी, और काफ़ी ठीक ठाक सी मूवी साबित हुई थी। ऐसे में इस मूवी को लेके पॉजिटिव रिव्यूज़ काफ़ी आए थे। वहीं पर आपको बताना चाहूँगा, इस मूवी को करण जौहर बनाने के लिए इंस्पायर हुए थे खुद की पर्सनल लाइफ को लेकर। जी हाँ दोस्तों, करण जौहर इंस्पायर हुए थे खुद की पर्सनल लाइफ को लेके, तब जाके यहाँ पर उन्होंने इस मूवी की कुछ स्क्रिप्ट तैयार की थी, और यहाँ पर इस मूवी को बनाने का सोचा था, और काफ़ी मूवी भी ठीक ठाक सी चल गई थी। ऐसे में दोस्तों इस मूवी को आप देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, आप हमें कमेंट में एक बार ज़रूर बताइए कि आप इस मूवी को देख चुके हैं या फिर देखने चाहते हैं, तो अपनी राय के बारे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों को लगता है कि ये मूवी देखने लायक है या फिर हमें देखनी चाहिए, तो अगर दोस्तों आपको रोमांस म्यूजिकल मूवी देखना पसंद है, लव स्टोरी मूवीज़ देखना पसंद है, तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं, और इस मूवी का एंजॉय वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको मूवी कहीं ना कहीं काफ़ी जो पसंद है वो यहाँ पर आ सकती है। और वैसे दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि इस मूवी ने काफ़ी अच्छे खासे सॉन्ग्स हैं वो यहाँ पर दिए हैं, जिसमें कि सबसे पहले पॉपुलर सॉन्ग ए दिल मुश्किल, बुलिया, द ब्रेकअप सॉन्ग, चन्ना मेरेया, ऐसे बहुत से सॉन्ग्स हैं इस मूवी से जो हैं हमें देखने को मिले हैं, और काफ़ी आज के टाइम में भी ट्रेंड में चल रहे हैं। तो ऐसे में काफ़ी ठीक ठाक सी मूवी हो जाती है। तो जो लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर देख सकते हैं। और अगर कुछ बात कर लें इस मूवी के सैटेलाइट प्रीमियर के बारे में, तो सैटेलाइट प्रीमियर के जो राइट्स हैं अवेलेबल हैं YPM18 के पास, और इस मूवी के आए दिन जो TV प्रीमियर होता रहता है कलर सिनेप्लेक्स चैनल पर, और जब इस मूवी को रिलीज़ करके सिनेमाघरों के बाद OTT पर होने के बाद ये मूवी हमें देखने को मिली थी TV पर फर्स्ट टाइम कलर्स चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, कलर्स TV पर ये प्रीमियर की गई थी, क्योंकि उस टाइम पर ना ही कलर्स YPM18 का कोई कलर्स मूवी कोई चैनल नहीं था, तो इस टाइप से उस टाइम पर कलर्स TV जो सीरियल का चैनल है वहाँ पर इस मूवी का TV प्रीमियर फर्स्ट टाइम पर हमें देखने को मिला था। और कुछ टाइम में अब आपको ये जो मूवी है देखने को मिलती रहती है कलर्स सिनेप्लेक्स, कलर्स सिनेप्लेक्स सुपर हिट्स, कलर्स सिनेप्लेक्स बॉलीवुड, इन चैनल्स पर देखने को आए दिन मिलती रहती है। तो ऐसे में जो मूवी है आप नेटफ्लिक्स अमेजोन पर वॉच कर सकते हैं। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी के कुछ फैक्ट्स वगैरह को लेकर, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इस मूवी में
फवाद खान जो हैं वो यहाँ पर पाकिस्तान के एक्ट्रेस हैं जो कि हमें इस मूवी में देखने को मिले हैं। और ऐसे में दोस्तों अगर कुछ अलग अपडेट को लेकर बात करें तो काफ़ी जो फैंस का यहाँ पर कहना था कि इस मूवी में आलिया भट्ट का रोल है कौन सी जगह पर हमें देखने को मिलता है, तो आपको बताना चाहूँगा इस मूवी में द ब्रेकअप सॉन्ग देखने को मिलता है जो कि डीजे पर चलता है, तो वहीं पर हमें आलिया भट्ट का रोल देखने को मिलता है। वहीं पर लास्ट सीन में आपको देखने को मिलता है कुछ क्लिप जो देखने को मिलती है वहाँ पर शाहरुख खान को भी दिखाया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि इस मूवी में आलिया भट्ट भी और शाहरुख खान भी आधारित हैं जो कि यहाँ पर देखने को मिले हैं, उन्होंने भी रोल किया है, तो काफ़ी लोगों को यहाँ पर नहीं पता है। ऐसे में एक्ट्रेस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। तो यही है दोस्तों कुछ इस मूवी की कहानी फैक्ट्स, और यहाँ पर आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। बाकी दोस्तों आप सभी से मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में। आज की है वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली अपकमिंग OTT वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर अपडेट्स हैं उनकी सारी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सकें, और आप कोई भी नई मूवी आए वो कैसे और कहाँ पर देख सकते हैं पूरी जानकारी और साथ ही साथ रिव्यू भी देखने को मिल जाते हैं। तो आप हमारे चैनल्स पर बने रहिएगा। मिलते हैं आप सभी से किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग गाइस। आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ऐ दिल है मुश्किल मूवी के बारे में। अगर दोस्तों आप इस मूवी को ढूंढ रहे हैं और आप इस मूवी को कैसे हिंदी भाषा में देख पाएंगे, जाने की पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ऐ दिल है मुश्किल के बारे में। और इस मूवी को अगर आप YouTube पर ढूंढ रहे हैं कैसे कहां पर देखने को मिलेगी, तो आज के इस वीडियो के अंदर सारी जानकारी मिल जाएगी। तो यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। बात करें दोस्तों ऐ दिल है मुश्किल मूवी के बारे में, तो साल 2016 में रिलीज हुई मूवी, काफ़ी अच्छी खासी रोमांस म्यूजिकल पर आधारित मूवी ऐ दिल है मुश्किल, जिसको कि डायरेक्ट किया करण जौहर ने। और वहीं पर दोस्तों इस मूवी की अगर बात कर लें पॉजिटिव रिव्यू को लेकर, तो ऑडियंस की तरफ से काफ़ी ठीक ठाक से रिव्यूज इस मूवी को मिले हुए हैं। वहीं पर अगर इसकी रेटिंग वगैरह को लेकर बात कर लें तो 5.8 आउट ऑफ 10 की कुछ IMDB की रेटिंग है इस मूवी को मिली हुई है। और वहीं पर इस मूवी को #2nd पार्ट का जो है यहाँ पर पॉपुलर म्यूजिक सर्च का ट्रेड वो भी मिल रखा है। आप यहाँ पर पता ही होगा जैसे कि रोमांस म्यूजिकल पर आधारित मूवी है, वहीं पर अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आपके लिए बताना चाहूँगा ये जो मूवी है नेटफ्लिक्स के अलावा Amazon पर भी अवेलेबल है। जी दोस्तों, जिसको भी डिजिटल प्रेमर देखना पसंद है, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ऑफिशियली रूप से आप यहां पर देख सकते हैं नेटफ्लिक्स और Amazon पर, जो कि OTT के रूप में आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसे में अगर बात कर लें यूट्यूब को लेकर, तो देखिए दोस्तों अभी तक ये ऑफिशियली रूप से यूट्यूब पर कोई भी फ्री में अवेलेबल नहीं है, बाकी पैड रूप में आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाएगी। तो आई होप जो भी यूट्यूब को लेकर जानकारी होगी वो आपको क्लियर हो चुकी कि ये जो मूवी है यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो यूट्यूब पर तो आपको पैड रूप में देखने को मिल जाएगी, लेकिन अभी फ्यूचर ऑफिशियल कोई भी चैनल पर ये मूवी अवेलेबल नहीं है। बाकी दोस्तों अगर बात कर लें इस मूवी के बारे में, तो काफ़ी ठीक ठाक अच्छी मूवी है, उस टाइम के टाइम पे आधारित साबित हुई थी। और ऐसे में अगर दोस्तों बात कर लें इस मूवी की कुछ स्टोरी वगैरह को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी लव स्टोरी पर आधारित एक मूवी है। एक जो कह सकते हैं एक लेडीज़ के ऊपर जो कि अलीजे ब्रेकअप से उभरती है, और यहाँ पर एक संगीतकार जैसे कि हमारे भाई साहब रणवीर कपूर जो कि सिंगर के रूप में देखने को मिलते हैं न्यूयॉर्क में, और वहाँ पर उनसे हो जाता है लव, और उसके आगे की जो कहानी है काफ़ी सैडनेस लाइफ से काफ़ी गुजरते हैं दोनों, और काफ़ी दोस्ती और प्यार का आपको काफ़ी वो देखने को मिलता है इस मूवी में, रोमांस देखने को मिलता है। और ये इसकी जो कहानी आपको इसके आसपास ही घूमती रहती है, और काफ़ी लव रोमांस आपको मूवी में देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छी खासी मूवी है, एंड आपको इसकी जो स्टोरी है काफ़ी ज़्यादा जो पसंद है वहाँ पर आ सकती है। वैसे अगर कास्ट को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो अगर बात कर लें इस मूवी के मैन लीड एक्ट्रेस के बारे में, तो वहीं पर इस मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा, ऐश्वर्या राय बच्चन, फवाद खान, आलिया भट्ट, शाहरुख खान, ऐसे बहुत से जो कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और काफ़ी ताबड़तोड़ एक्शन जो कह सकते हैं रोमांस मूवी है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ऐसे में दोस्तों काफ़ी जो पॉपुलर सॉन्ग्स हैं इस मूवी में दिए हैं जो कि काफ़ी ट्रेंड में भी अभी तक देखने को मिलते हैं। वहीं पर अगर दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया इस मूवी के
कलेक्शन के बारे में, जैसे कि काफ़ी सुपरहिट साबित हुई थी उस टाइम पे 2016 के करीब। इसका जो बजट था लगभग 50 करोड़ के आसपास था और इस मूवी ने जो वर्ल्ड वाइड टोटल अगर कलेक्शन की बात करें कि वर्ल्ड वाइड कितना कमाई की है तो 238 करोड़ के आसपास उस टाइम पे इस मूवी ने जो है कमाई की थी और काफ़ी ठीक ठाक सी मूवी साबित हुई थी। ऐसे में इस मूवी को लेके पॉजिटिव रिव्यूज़ काफ़ी आए थे। वहीं पर आपको बताना चाहूँगा, इस मूवी को करण जौहर बनाने के लिए इंस्पायर हुए थे खुद की पर्सनल लाइफ को लेकर। जी हाँ दोस्तों, करण जौहर इंस्पायर हुए थे खुद की पर्सनल लाइफ को लेके, तब जाके यहाँ पर उन्होंने इस मूवी की कुछ स्क्रिप्ट तैयार की थी और यहाँ पर इस मूवी को बनाने का सोचा था और काफ़ी मूवी भी ठीक ठाक सी चल गई थी। ऐसे में दोस्तों, इस मूवी को आप देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं आप हमें कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं कि आप इस मूवी को देख चुके हैं या फिर देखने चाहते हैं, तो अपनी राय के बारे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों को लगता है कि ये मूवी देखने लायक है फिर हमें देखनी चाहिए, तो अगर दोस्तों आपको रोमांस म्यूजिकल मूवी देखना पसंद है, लव स्टोरी मूवीज देखना पसंद है, तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं और इस मूवी का एंजॉय वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको मूवी कहीं ना कहीं काफ़ी जो पसंद है वो यहाँ पर आ सकती है। और वैसे दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस मूवी ने काफ़ी अच्छे खासे सॉन्ग्स हैं वो यहाँ पर दिए हैं, जिसमें कि सबसे पहले पॉपुलर सॉन्ग ए दिल मुश्किल, बुलिया, द ब्रेकअप सॉन्ग, चन्ना मेरेया, ऐसे बहुत से सॉन्ग्स हैं इस मूवी से जो है हमें देखने को मिले हैं और काफ़ी आज के टाइम में भी ट्रेंड में चल रहे हैं। तो ऐसे में काफ़ी ठीक ठाक सी मूवी हो जाती है। तो जो लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर देख सकते हैं। और अगर कुछ बात कर लें इस मूवी के सैटेलाइट प्रीमियर के बारे में, तो सैटेलाइट प्रीमियर के जो राइट्स हैं अवेलेबल हैं YPM18 के पास। और इस मूवी के आए दिन जो TV प्रीमियर होता रहता है कलर सिनेप्लेक्स चैनल पर, और जब इस मूवी को रिलीज़ करके सिनेमाघरों के बाद OTT पर होने के बाद ये मूवी हमें देखने को मिली थी TV पर फर्स्ट टाइम कलर्स चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, कलर्स TV पर ये प्रीमियर की गई थी, क्योंकि उस टाइम पर ना ही कलर्स YPM18 का कोई कलर्स मूवी कोई चैनल नहीं था, तो इस टाइप से उस टाइम पर कलर्स TV जो सीरियल का चैनल है वहाँ पर इस मूवी का TV प्रीमियर फर्स्ट टाइम पर हमें देखने को मिला था। और कुछ टाइम में अब आपको ये जो मूवी है देखने को मिलती रहती है कलर्स सिनेप्लेक्स, कलर्स सिनेप्लेक्स सुपर हिट्स, कलर्स सिनेप्लेक्स बॉलीवुड, इन चैनल्स पर देखने को आए दिन मिलती रहती है। तो ऐसे में जो मूवी है आप नेटफ्लिक्स अमेजोन पर वॉच कर सकते हैं। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी के कुछ फैक्ट्स वगैरह को लेकर, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इस मूवी में फवाद खान जो हैं वो यहाँ पर पाकिस्तान के एक्ट्रेस हैं जो कि हमें इस मूवी में देखने को मिले हैं। और ऐसे में दोस्तों अगर कुछ अलग अपडेट को लेकर बात करें, तो काफ़ी जो फैंस का यहाँ पर कहना था कि इस मूवी में आलिया भट्ट का रोल है कौन सी जगह पर हमें देखने को मिलता है, तो आपको बताना चाहूँगा इस मूवी में द ब्रेकअप सॉन्ग देखने को मिलता है जो कि DJ पर चलता है, तो वहीं पर हमें आलिया भट्ट का रोल देखने को मिलता है। वहीं पर लास्ट सीन में आपको देखने को मिलता है कुछ क्लिप जो देखने को मिलती है वहाँ पर शाहरुख खान को भी दिखाया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि इस मूवी में आलिया भट्ट भी और शाहरुख खान भी आधारित हैं जो कि यहाँ पर देखने को मिले हैं, उन्होंने भी रोल किया है, तो काफ़ी लोगों को यहाँ पर नहीं पता है। ऐसे में ये एक्ट्रेस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। तो यही है दोस्तों कुछ इस मूवी की कहानी फैक्ट्स, और यहाँ पर आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। बाकी दोस्तों आप सभी से मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में। आज की है वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली अपकमिंग OTT वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर अपडेट्स हैं उनकी सारी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सकें, और आप कोई भी नई मूवी आए वो कैसे और कहाँ पर देख सकते हैं पूरी जानकारी और साथ ही साथ रिव्यू भी देखने को मिल जाते हैं। तो आप हमारे चैनल्स पर बने रहिएगा। मिलते हैं आप सभी से किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में। वीडियो देखने के लिए सो क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। गाइस आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ए दिल है मुश्किल मूवी के बारे में। अगर दोस्तों आप इस मूवी को ढूंढ रहे हैं और आप इस मूवी को कैसे हिंदी भाषा में देख पाएंगे, जाने की पूरी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ए दिल है मुश्किल के बारे में। और इस मूवी को अगर आप YouTube पर ढूंढ रहे हैं कैसे कहां पर देखने को मिलेगी, तो आज के इस वीडियो के अंदर सारी जानकारी मिल जाएगी। तो यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। बात करें दोस्तों ए दिल है मुश्किल मूवी के बारे में, तो साल 2016 में रिलीज हुई मूवी, काफ़ी अच्छी खासी रोमांस म्यूजिकल पर आधारित मूवी ए दिल है मुश्किल, जिसको की डायरेक्ट किया करण जौहर ने। और वहीं पर दोस्तों इस मूवी की अगर बात कर लें पॉजिटिव रिव्यू को लेकर, तो ऑडियंस की तरफ से
काफ़ी ठीक ठाक से रिव्यूज इस मूवी को मिले हुए हैं। वहीं पर अगर इसकी रेटिंग वगैरह को लेकर बात कर लें तो 5.8 आउट ऑफ 10 की कुछ IMDB की रेटिंग है इस मूवी को मिली हुई है। और वहीं पर इस मूवी को हैश सेकेंड पार्ट का जो है यहाँ पर पॉपुलर म्यूजिक सर्च का ट्रेड वो भी मिल रखा है। आप यहाँ पर पता ही होगा जैसे कि रोमांस म्यूजिकल पर आधारित मूवी है। वहीं पर अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आपके लिए बताना चाहूँगा ये जो मूवी है नेटफ्लिक्स के अलावा Amazon पर भी अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, जिसको भी डिजिटल प्रेमर देखना पसंद है, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ऑफिशियली रूप से आप यहां पर देख सकते हैं Netflix और Amazon पर, जो कि OTT के रूप में आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसे में अगर बात कर लें YouTube को लेकर तो देखिए दोस्तों, अभी तक ये ऑफिशियली रूप से YouTube पर कोई भी फ्री में अवेलेबल नहीं है, बाकी पैड रूप में आपको YouTube पर भी देखने को मिल जाएगी। तो आई होप जो भी YouTube को लेकर जानकारी होगी वो आपको क्लियर हो चुकी कि ये जो मूवी है YouTube पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो YouTube पर तो आपको पैड रूप में देखने को मिल जाएगी, लेकिन अभी फ्यूचर ऑफिशियल कोई भी चैनल पर ये मूवी अवेलेबल नहीं है। बाकी दोस्तों अगर बात कर लें इस मूवी के बारे में तो काफ़ी ठीक ठाक अच्छी मूवी है, उस टाइम के टाइम पे आधारित साबित हुई थी। और ऐसे में अगर दोस्तों बात कर लें इस मूवी की कुछ स्टोरी वगैरह को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी लव स्टोरी पर आधारित एक मूवी है। एक जो कह सकते हैं एक लेडीज़ के ऊपर जो कि अलीजे ब्रेकअप से उभरती है, और यहाँ पर एक संगीतकार जैसे कि हमारे भाई साहब रणवीर कपूर जो कि सिंगर के रूप में देखने को मिलते हैं न्यूयॉर्क में, और वहाँ पर उनसे हो जाता है लव, और उसके आगे की जो कहानी है काफ़ी सैडनेस लाइफ से काफ़ी गुजरते हैं दोनों, और काफ़ी दोस्ती और प्यार का आपको काफ़ी वो देखने को मिलता है इस मूवी में, रोमांस देखने को मिलता है। और ये इसकी जो कहानी आपको इसके आसपास ही घूमती रहती है, और काफ़ी लव रोमांस आपको मूवी में देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छी खासी मूवी है एंड आपको इसकी जो स्टोरी है काफ़ी ज़्यादा जो पसंद है वहाँ पर आ सकती है। वैसे अगर कास्ट लेकर हम बात कर रहे हैं तो अगर बात कर लें इस मूवी के मैन लीड एक्ट्रेस के बारे में, तो वहीं पर इस मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा, ऐश्वर्या राय बच्चन, फवाद खान, आलिया भट्ट, शाहरुख खान, ऐसे बहुत से जो कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और काफ़ी ताबड़तोड़ एक्शन जो कह सकते हैं रोमांस मूवी है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ऐसे में दोस्तों काफ़ी जो पॉपुलर सॉन्ग्स हैं इस मूवी में दिए हैं जो कि काफ़ी ट्रेंड में भी अभी तक देखने को मिलते हैं। वहीं पर अगर दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया इस मूवी के कलेक्शन के बारे में, जैसे कि काफ़ी सुपरहिट साबित हुई थी उस टाइम पे 2016 की करीब, इसका जो बजट था लगभग 50 करोड़ के आसपास था, और इस मूवी ने जो वर्ल्ड वाइड टोटल अगर कलेक्शन की बात करें कि वर्ल्ड वाइड कितना कमाई की है तो 238 करोड़ के आसपास उस टाइम पे इस मूवी ने जो है कमाई की थी, और काफ़ी ठीक ठाक सी मूवी साबित हुई थी। ऐसे में इस मूवी को लेके पॉजिटिव रिव्यूज़ काफ़ी आए थे। वहीं पर आपको बताना चाहूँगा इस मूवी को करण जौहर बनाने के लिए इंस्पायर हुए थे खुद की पर्सनल लाइफ को लेकर। जी हाँ दोस्तों, करण जौहर इंस्पायर हुए थे खुद की पर्सनल लाइफ को लेके, तब जाके यहाँ पर उन्होंने इस मूवी की कुछ स्क्रिप्ट तैयार की थी और यहाँ पर इस मूवी को बनाने का सोचा था, और काफ़ी मूवी भी ठीक ठाक सी चल गई थी। ऐसे में दोस्तों इस मूवी को आप देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं आप हमें कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं कि आप इस मूवी को देख चुके हैं या फिर देखने चाहते हैं, तो अपनी राय के बारे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों को लगता है कि ये मूवी देखने लायक है फिर हमें देखनी चाहिए, तो अगर दोस्तों आपको रोमांस म्यूजिकल मूवी देखना पसंद है, लव स्टोरी मूवीज देखना पसंद है, तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं और इस मूवी का एंजॉय वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको मूवी कहीं ना कहीं काफ़ी जो पसंद है वो यहाँ पर आ सकती है। और वैसे दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि इस मूवी ने काफ़ी अच्छे खासे सॉन्ग्स हैं वो यहाँ पर दिए हैं, जिसमें कि सबसे पहले पॉपुलर सॉन्ग ऐ दिल मुश्किल, बुलिया, द ब्रेकअप सॉन्ग, चन्ना मेरेया, ऐसे बहुत से सॉन्ग्स हैं इस मूवी से जो हैं हमें देखने को मिले हैं, और काफ़ी आज के टाइम में भी ट्रेंड में चल रहे हैं। तो ऐसे में काफ़ी ठीक ठाक सी मूवी हो जाती है। तो जो लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो Netflix और Amazon पर देख सकते हैं। और अगर कुछ बात कर लें इस मूवी के सैटेलाइट प्रीमियर के बारे में, तो सैटेलाइट प्रीमियर के जो राइट्स हैं अवेलेबल हैं YPM18 के पास, और इस मूवी के आए दिन जो TV प्रीमियर होता रहता है कलर सिनेप्लेक्स चैनल पर, और जब इस मूवी को रिलीज़ करके सिनेमाघरों के बाद OTT पर होने के बाद ये मूवी हमें देखने को मिली थी TV पर फर्स्ट टाइम कलर्स चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, कलर्स TV
ऊपर ये प्रीमियर की गई थी, क्योंकि उस टाइम पर ना ही कलर्स YP19 का कोई कलर्स मूवी कोई चैनल नहीं था, तो इस टाइप से उस टाइम पर कलर्स TV जो सीरियल का चैनल है वहाँ पर इस मूवी का TV प्रीमियर फर्स्ट टाइम पर हमें देखने को मिला था। और कुछ टाइम में अब आपको ये जो मूवी है देखने को मिलती रहती है कलर्स सिनेप्लेक्स, कलर्स सिनेप्लेक्स सुपर हिट्स, कलर्स सिनेप्लेक्स बॉलीवुड, इन चैनल्स पर देखने को आए दिन मिलती रहती है। तो ऐसे में जो मूवी है आप नेटफ्लिक्स अमेजोन पर वॉच कर सकते हैं। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी के कुछ फैक्ट्स वगैरह को लेकर, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इस मूवी में फवाद खान जो हैं वो यहाँ पर पाकिस्तान के एक्ट्रेस हैं जो कि हमें इस मूवी में देखने को मिले हैं। और ऐसे में दोस्तों अगर कुछ अलग अपडेट को लेकर बात करें, तो काफ़ी जो फैंस का यहाँ पर कहना था कि इस मूवी में आलिया भट्ट का रोल है कौन सी जगह पर हमें देखने को मिलता है, तो आपको बताना चाहूँगा इस मूवी में द ब्रेकअप सॉन्ग देखने को मिलता है जो कि DJ पर चलता है, तो वहीं पर हमें आलिया भट्ट का रोल देखने को मिलता है। वहीं पर लास्ट सीन में आपको देखने को मिलता है कुछ क्लिप जो देखने को मिलती है वहाँ पर शाहरुख खान को भी दिखाया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि इस मूवी में आलिया भट्ट भी और शाहरुख खान भी आधारित हैं जो कि यहाँ पर देखने को मिले हैं, उन्होंने भी रोल किया है, तो काफ़ी लोगों को यहाँ पर नहीं पता है। ऐसे में एक्ट्रेस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। तो यही है दोस्तों कुछ इस मूवी की कहानी फैक्ट्स, और यहाँ पर आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। बाकी दोस्तों आप सभी से मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में। आज की है वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली अपकमिंग OTT वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर अपडेट्स हैं उनकी सारी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। और आप कोई भी नई मूवी आए वो कैसे और कहाँ पर देख सकते हैं पूरी जानकारी और साथ ही साथ रिव्यू भी देखने को मिल जाते हैं, तो आप हमारे चैनल्स पर बने रहिएगा। मिलते हैं आप सभी से किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग गाइस। आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ऐ दिल है मुश्किल मूवी के बारे में। अगर दोस्तों आप इस मूवी को ढूंढ रहे हैं और आप इस मूवी को कैसे हिंदी भाषा में देख पाएंगे, जाने की पूरी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ऐ दिल है मुश्किल के बारे में। और इस मूवी को अगर आप YouTube पर ढूंढ रहे हैं कैसे कहां पर देखने को मिलेगी, तो आज के इस वीडियो के अंदर सारी जानकारी मिल जाएगी। तो यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। बात करें दोस्तों ऐ दिल है मुश्किल मूवी के बारे में, तो साल 2016 में रिलीज हुई मूवी, काफ़ी अच्छी खासी रोमांस म्यूजिकल पर आधारित मूवी ऐ दिल है मुश्किल, जिसको की डायरेक्ट किया करण जौहर ने। और वहीं पर दोस्तों इस मूवी की अगर बात कर लें पॉजिटिव रिव्यू को लेकर, तो ऑडियंस की तरफ से काफ़ी ठीक ठाक से रिव्यूज इस मूवी को मिले हुए हैं। वहीं पर अगर इसकी रेटिंग वगैरह को लेकर बात कर लें, तो 5.8 आउट ऑफ 10 की कुछ IMDB की रेटिंग है इस मूवी को मिली हुई है। और वहीं पर इस मूवी को हैश सेकेंड पार्ट का जो है यहाँ पर पॉपुलर म्यूजिक सर्च का ट्रेड वो भी मिल रखा है। आप यहाँ पर पता ही होगा जैसे कि रोमांस म्यूजिकल पर आधारित मूवी है। वहीं पर अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं, तो आपके लिए बताना चाहूँगा ये जो मूवी है नेटफ्लिक्स के अलावा अमेजोन पर भी अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, जिसको भी डिजिटल प्रीमियर देखना पसंद है, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं, तो ऑफिशियली रूप से आप यहां पर देख सकते हैं नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर, जो कि OTT के रूप में आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसे में अगर बात कर लें यूट्यूब को लेकर, तो देखिए दोस्तों अभी तक ये ऑफिशियली रूप से यूट्यूब पर कोई भी फ्री में अवेलेबल नहीं है, बाकी पैड रूप में आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाएगी। तो आई होप जो भी यूट्यूब को लेकर जानकारी होगी वो आपको क्लियर हो चुकी कि ये जो मूवी है यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो यूट्यूब पर तो आपको पैड रूप में देखने को मिल जाएगी, लेकिन अभी फ्यूचर ऑफिशियल कोई भी चैनल पर ये मूवी अवेलेबल नहीं है। बाकी दोस्तों अगर बात कर लें इस मूवी के बारे में, तो काफ़ी ठीक ठाक अच्छी मूवी है, उस टाइम के टाइम पे आधारित साबित हुई थी। और ऐसे में अगर दोस्तों बात कर लें इस मूवी की कुछ स्टोरी वगैरह को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी लव स्टोरी पर आधारित एक मूवी है। एक जो कह सकते हैं एक लेडीज के ऊपर जो कि अलीजे ब्रेकअप से उभरती है, और यहाँ पर एक संगीतकार जैसे कि हमारे भाई साहब रणवीर कपूर जो कि सिंगर के रूप में देखने को मिलते हैं न्यूयॉर्क में, और वहाँ पर उनसे हो जाता है लव, और उसके आगे की जो कहानी है काफ़ी सैडनेस लाइफ से काफ़ी गुजरते हैं दोनों, और काफ़ी दोस्ती और प्यार का आपको काफ़ी वो देखने को मिलता है इस मूवी में, रोमांस देखने को मिलता है। और ये इसकी जो कहानी आपको इसके आसपास ही घूमती रहती है, और काफ़ी लव रोमांस आपको मूवी में देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छी खासी मूवी है, एंड आपको इसकी जो स्टोरी है काफ़ी ज़्यादा जो पसंद है वहाँ पर आ सकती है।
वैसे अगर कास्ट को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो अगर बात कर लें इस मूवी के मैन लीड एक्ट्रेस के बारे में, तो वहीं पर इस मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा, ऐश्वर्या राय बच्चन, फवाद खान, आलिया भट्ट, शाहरुख खान, ऐसे बहुत से जो कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और काफ़ी ताबड़तोड़ एक्शन जो कह सकते हैं रोमांस मूवी है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ऐसे में दोस्तों काफ़ी जो पॉपुलर सॉन्ग्स हैं इस मूवी में दिए हैं जो कि काफ़ी ट्रेंड में भी अभी तक देखने को मिलते हैं। वहीं पर अगर दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया इस मूवी के कलेक्शन के बारे में, जैसे कि काफ़ी सुपरहिट साबित हुई थी उस टाइम पे 2016 के करीब, इसका जो बजट था लगभग 50 करोड़ के आसपास था और इस मूवी ने जो वर्ल्ड वाइड टोटल अगर कलेक्शन की बात करें कि वर्ल्ड वाइड कितना कमाई की है, तो 238 करोड़ के आसपास उस टाइम पे इस मूवी ने जो है कमाई की थी और काफ़ी ठीक ठाक सी मूवी साबित हुई थी। ऐसे में इस मूवी को लेके पॉजिटिव रिव्यूज़ काफ़ी आए थे। वहीं पर आपको बताना चाहूँगा इस मूवी को करण जौहर बनाने के लिए इंस्पायर हुए थे खुद की पर्सनल लाइफ को लेकर। जी हाँ दोस्तों, करण जौहर इंस्पायर हुए थे खुद की पर्सनल लाइफ को लेके, तब जाके यहाँ पर उन्होंने इस मूवी की कुछ स्क्रिप्ट तैयार की थी और यहाँ पर इस मूवी को बनाने का सोचा था और काफ़ी मूवी भी ठीक ठाक सी चल गई थी। ऐसे में दोस्तों इस मूवी को आप देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, आप हमें कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं कि आप इस मूवी को देख चुके हैं या फिर देखने चाहते हैं, तो अपनी राय के बारे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों को लगता है कि ये मूवी देखने लायक है या फिर हमें देखनी चाहिए, तो अगर दोस्तों आपको रोमांस म्यूजिकल मूवी देखना पसंद है, लव स्टोरी मूवीज़ देखना पसंद है, तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं और इस मूवी का एंजॉय वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको मूवी कहीं ना कहीं काफ़ी जो पसंद है वो यहाँ पर आ सकती है। और वैसे दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि इस मूवी ने काफ़ी अच्छे खासे सॉन्ग्स हैं वो यहाँ पर दिए हैं, जिसमें कि सबसे पहले पॉपुलर सॉन्ग ए दिल मुश्किल, बुलिया, द ब्रेकअप सॉन्ग, चन्ना मेरेया, ऐसे बहुत से सॉन्ग्स हैं इस मूवी से जो हैं हमें देखने को मिले हैं और काफ़ी आज के टाइम में भी ट्रेंड में चल रहे हैं। तो ऐसे में काफ़ी ठीक ठाक सी मूवी हो जाती है। तो जो लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर देख सकते हैं। और अगर कुछ बात कर लें इस मूवी के सैटेलाइट प्रीमियर के बारे में, तो सैटेलाइट प्रीमियर के जो राइट्स हैं अवेलेबल हैं YPM18 के पास, और इस मूवी के आए दिन जो TV प्रीमियर होता रहता है कलर सिनेप्लेक्स चैनल पर, और जब इस मूवी को रिलीज़ करके सिनेमाघरों के बाद OTT पर होने के बाद ये मूवी हमें देखने को मिली थी TV पर फर्स्ट टाइम कलर्स चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, कलर्स TV पर ये प्रीमियर की गई थी, क्योंकि उस टाइम पर ना ही कलर्स YPM18 का कोई कलर्स मूवी कोई चैनल नहीं था, तो इस टाइप से उस टाइम पर कलर्स TV जो सीरियल का चैनल है वहाँ पर इस मूवी का TV प्रीमियर फर्स्ट टाइम पर हमें देखने को मिला था। और कुछ टाइम में अब आपको ये जो मूवी है देखने को मिलती रहती है कलर्स सिनेप्लेक्स, कलर्स सिनेप्लेक्स सुपर हिट्स, कलर्स सिनेप्लेक्स बॉलीवुड, इन चैनल्स पर देखने को आए दिन मिलती रहती है। तो ऐसे में जो मूवी है आप नेटफ्लिक्स अमेजोन पर वॉच कर सकते हैं। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी के कुछ फैक्ट्स वगैरह को लेकर, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इस मूवी में फवाद खान जो हैं वो यहाँ पर पाकिस्तान के एक्ट्रेस हैं जो कि हमें इस मूवी में देखने को मिले हैं। और ऐसे में दोस्तों अगर कुछ अलग अपडेट को लेकर बात करें, तो काफ़ी जो फैंस का यहाँ पर कहना था कि इस मूवी में आलिया भट्ट का रोल है कौन सी जगह पर हमें देखने को मिलता है, तो आपको बताना चाहूँगा इस मूवी में द ब्रेकअप सॉन्ग देखने को मिलता है जो कि DJ पर चलता है, तो वहीं पर हमें आलिया भट्ट का रोल देखने को मिलता है। वहीं पर लास्ट सीन में आपको देखने को मिलता है कुछ क्लिप जो देखने को मिलती है वहाँ पर शाहरुख खान को भी दिखाया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि इस मूवी में आलिया भट्ट भी और शाहरुख खान भी आधारित हैं जो कि यहाँ पर देखने को मिले हैं, उन्होंने भी रोल किया है, तो काफ़ी लोगों को यहाँ पर नहीं पता है। ऐसे में एक्ट्रेस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। तो यही है दोस्तों कुछ इस मूवी की कहानी फैक्ट्स, और यहाँ पर आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। बाकी दोस्तों आप सभी से मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट अंदर वीडियो में। आज की है वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली अपकमिंग OTT वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर अपडेट्स हैं उनकी सारी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सकें, और आप कोई भी नई मूवी आए वो कैसे और कहाँ पर देख सकते हैं पूरी जानकारी और साथ ही साथ रिव्यू भी देखने को मिल जाते हैं। तो आप हमारे चैनल्स पर बने रहिएगा। मिलते हैं आप सभी से किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
सो क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। गाइज आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ऐ दिल है मुश्किल मूवी के बारे में। अगर दोस्तों आप इस मूवी को ढूंढ रहे हैं और आप इस मूवी को कैसे हिंदी भाषा में देख पाएंगे, जाने की पूरी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ऐ दिल है मुश्किल के बारे में। और इस मूवी को अगर आप YouTube पर ढूंढ रहे हैं कैसे कहां पर देखने को मिलेगी, तो आज के इस वीडियो के अंदर सारी जानकारी मिल जाएगी। तो यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। बात करें दोस्तों ऐ दिल है मुश्किल मूवी के बारे में, तो साल 2016 में रिलीज हुई मूवी, काफ़ी अच्छी खासी रोमांस म्यूजिकल पर आधारित मूवी ऐ दिल है मुश्किल, जिसको की डायरेक्ट किया करण जौहर ने। और वहीं पर दोस्तों इस मूवी की अगर बात कर लें पॉजिटिव रिव्यू को लेकर, तो ऑडियंस की तरफ से काफ़ी ठीक ठाक से रिव्यूज इस मूवी को मिले हुए हैं। वहीं पर अगर इसकी रेटिंग वगैरह को लेकर बात कर लें, तो 5.8 आउट ऑफ 10 की कुछ IMDB की रेटिंग है इस मूवी को मिली हुई है। और वहीं पर इस मूवी को हैश सेकेंड पार्ट का जो है यहाँ पर पॉपुलर म्यूजिक सर्च का ट्रेड वो भी मिल रखा है। आप यहाँ पर पता ही होगा जैसे कि रोमांस म्यूजिकल पर आधारित मूवी है। वहीं पर अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं, तो आपके लिए बताना चाहूँगा ये जो मूवी है नेटफ्लिक्स के अलावा अमेजोन पर भी अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, जिसको भी डिजिटल प्रेमर देखना पसंद है, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं, तो ऑफिशियली रूप से आप यहां पर देख सकते हैं नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर, जो कि OTT के रूप में आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसे में अगर बात कर लें यूट्यूब को लेकर, तो देखिए दोस्तों अभी तक ये ऑफिशियली रूप से यूट्यूब पर कोई भी फ्री में अवेलेबल नहीं है, बाकी पैड रूप में आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाएगी। तो आई होप जो भी यूट्यूब को लेकर जानकारी होगी वो आपको क्लियर हो चुकी कि ये जो मूवी है यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो यूट्यूब पर तो आपको पैड रूप में देखने को मिल जाएगी, लेकिन अभी फ्यूचर ऑफिशियल कोई भी चैनल पर ये मूवी अवेलेबल नहीं है। बाकी दोस्तों अगर बात कर लें इस मूवी के बारे में, तो काफ़ी ठीक ठाक अच्छी मूवी है, उस टाइम के टाइम पे आधारित साबित हुई थी। और ऐसे में अगर दोस्तों बात कर लें इस मूवी की कुछ स्टोरी वगैरह को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी लव स्टोरी पर आधारित एक मूवी है। एक जो कह सकते हैं एक लेडीज के ऊपर जो कि अलीजे ब्रेकअप से उभरती है, और यहाँ पर एक संगीतकार जैसे कि हमारे भाई साहब रणवीर कपूर जो कि सिंगर के रूप में देखने को मिलते हैं न्यूयॉर्क में, और वहाँ पर उनसे हो जाता है लव, और उसके आगे की जो कहानी है काफ़ी सैडनेस लाइफ से काफ़ी गुजरते हैं दोनों, और काफ़ी दोस्ती और प्यार का आपको काफ़ी वो देखने को मिलता है इस मूवी में, रोमांस देखने को मिलता है। और ये इसकी जो कहानी आपको इसके आसपास ही घूमती रहती है, और काफ़ी लव रोमांस आपको मूवी में देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छी खासी मूवी है, एंड आपको इसकी जो स्टोरी है काफ़ी ज़्यादा जो पसंद है वह पर आ सकती है। वैसे अगर कास्ट लेकर हम बात कर रहे हैं, तो अगर बात कर लें इस मूवी के मैन लीड एक्ट्रेस के बारे में, तो वहीं पर इस मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा, ऐश्वर्या राय बच्चन, फवाद खान, आलिया भट्ट, शाहरुख खान, ऐसे बहुत से जो कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और काफ़ी ताबड़तोड़ एक्शन जो कह सकते हैं रोमांस मूवी है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ऐसे में दोस्तों काफ़ी जो पॉपुलर सॉन्ग्स हैं इस मूवी में दिए हैं, जो कि काफ़ी ट्रेंड में भी अभी तक देखने को मिलते हैं। वहीं पर अगर दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया इस मूवी के कलेक्शन के बारे में, जैसे कि काफ़ी सुपरहिट साबित हुई थी उस टाइम पे 2016 की करीब, इसका जो बजट था लगभग 50 करोड़ के आसपास था, और इस मूवी ने जो वर्ल्ड वाइड टोटल अगर कलेक्शन की बात करें कि वर्ल्ड वाइड कितना कमाई की है, तो 238 करोड़ के आसपास उस टाइम पे इस मूवी ने जो है कमाई की थी, और काफ़ी ठीक ठाक सी मूवी साबित हुई थी। ऐसे में इस मूवी को लेके पॉजिटिव रिव्यूज़ काफ़ी आए थे। वहीं पर आपको बताना चाहूँगा इस मूवी को करण जौहर बनाने के लिए इंस्पायर हुए थे खुद की पर्सनल लाइफ को लेकर। जी हाँ दोस्तों, करण जौहर इंस्पायर हुए थे खुद की पर्सनल लाइफ को लेके, तब जाके यहाँ पर उन्होंने इस मूवी की कुछ स्क्रिप्ट तैयार की थी और यहाँ पर इस मूवी को बनाने का सोचा था, और काफ़ी मूवी भी ठीक ठाक सी चल गई थी। ऐसे में दोस्तों इस मूवी को आप देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, आप हमें कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं कि आप इस मूवी को देख चुके हैं या फिर देखने चाहते हैं, तो अपनी राय के बारे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों को लगता है कि ये मूवी देखने लायक या फिर हमें देखनी चाहिए, तो अगर दोस्तों आपको रोमांस म्यूजिकल मूवी देखना पसंद है, लव स्टोरी मूवीज़ देखना पसंद है, तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं और इस मूवी का एंजॉय वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको मूवी कहीं ना कहीं काफ़ी जो पसंद है वो यहाँ पर आ सकती है। और वैसे दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि इस मूवी ने काफ़ी अच्छे खासे सॉन्ग्स हैं वो यहाँ पर दिए हैं, जिसमें कि सबसे पहले पॉपुलर सॉन्ग ऐ दिल है
मुश्किल, बुल्लिया, द ब्रेकअप सॉन्ग, चन्ना मेरेया, ऐसे बहुत से सॉन्ग्स हैं इस मूवी से जो हैं हमें देखने को मिले हैं और काफ़ी आज के टाइम में भी ट्रेंड में चल रहे हैं। तो ऐसे में काफ़ी ठीक ठाक सी मूवी हो जाती है। तो जो लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर देख सकते हैं। और अगर कुछ बात कर लें इस मूवी के सैटेलाइट प्रीमियर के बारे में तो सैटेलाइट प्रीमियर के जो राइट्स हैं अवेलेबल हैं YPM18 के पास। और इस मूवी के आए दिन जो TV प्रीमियर होता रहता है कलर सिनेप्लेक्स चैनल पर, और जब इस मूवी को रिलीज़ करके सिनेमाघरों के बाद OTT पर होने के बाद ये मूवी हमें देखने को मिली थी TV पर फर्स्ट टाइम कलर्स चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, कलर्स TV पर ये प्रीमियर की गई थी, क्योंकि उस टाइम पर ना ही कलर्स YPM18 का कोई कलर्स मूवी कोई चैनल नहीं था। तो इस टाइप से उस टाइम पर कलर्स TV जो सीरियल का चैनल है वहाँ पर इस मूवी का TV प्रीमियर फर्स्ट टाइम पर हमें देखने को मिला था। और कुछ टाइम में अब आपको ये जो मूवी है देखने को मिलती रहती है कलर सिनेप्लेक्स, कलर सिनेप्लेक्स सुपर हिट्स, कलर सिनेप्लेक्स बॉलीवुड, इन चैनल्स पर देखने को आए दिन मिलती रहती है। तो ऐसे में जो मूवी है आप नेटफ्लिक्स अमेजोन पर वॉच कर सकते हैं। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी के कुछ फैक्ट्स वगैरह को लेकर तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इस मूवी में फवाद खान जो हैं वो यहाँ पर पाकिस्तान के एक्ट्रेस हैं जो कि हमें इस मूवी में देखने को मिले हैं। और ऐसे में दोस्तों अगर कुछ अलग अपडेट को लेकर बात करें तो काफ़ी जो फैंस का यहाँ पर कहना था कि इस मूवी में आलिया भट्ट का रोल है कौन सी जगह पर हमें देखने को मिलता है, तो आपको बताना चाहूँगा इस मूवी में द ब्रेकअप सॉन्ग देखने को मिलता है जो कि DJ पर चलता है, तो वहीं पर हमें आलिया भट्ट का रोल देखने को मिलता है। वहीं पर लास्ट सीन में आपको देखने को मिलता है कुछ क्लिप जो देखने को मिलती है वहाँ पर शाहरुख खान को भी दिखाया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि इस मूवी में आलिया भट्ट भी और शाहरुख खान भी आधारित हैं जो कि यहाँ पर देखने को मिले हैं, उन्होंने भी रोल किया है। तो काफ़ी लोगों को यहाँ पर नहीं पता है, ऐसे में एक्ट्रेस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। तो यही है दोस्तों कुछ इस मूवी की कहानी फैक्ट्स, और यहाँ पर आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। बाकी दोस्तों आप सभी से मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट अंदर वीडियो में। आज की है वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली अपकमिंग OTT वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर अपडेट्स हैं उनकी सारी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। और आप कोई भी नई मूवी आए वो कैसे और कहाँ पर देख सकते हैं पूरी जानकारी और साथ ही साथ रिव्यू भी देखने को मिल जाते हैं। तो आप हमारे चैनल्स पर बने रहिएगा। मिलते हैं आप सभी से किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। गाइस आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ऐ दिल है मुश्किल मूवी के बारे में। अगर दोस्तों आप इस मूवी को ढूंढ रहे हैं और आप इस मूवी को कैसे हिंदी भाषा में देख पाएंगे जाने की पूरी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ऐ दिल है मुश्किल के बारे में। और इस मूवी को अगर आप YouTube पर ढूंढ रहे हैं कैसे कहां पर देखने को मिलेगी तो आज के इस वीडियो के अंदर सारी जानकारी मिल जाएगी। तो यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। बात करें दोस्तों ऐ दिल है मुश्किल मूवी के बारे में तो साल 2016 में रिलीज हुई मूवी, काफ़ी अच्छी खासी रोमांस म्यूजिकल पर आधारित मूवी ऐ दिल है मुश्किल, जिसको की डायरेक्ट किया करण जौहर ने। और वहीं पर दोस्तों इस मूवी की अगर बात कर लें पॉजिटिव रिव्यू को लेकर तो ऑडियंस की तरफ से काफ़ी ठीक ठाक से रिव्यूज इस मूवी को मिले हुए हैं। वहीं पर अगर इसकी रेटिंग वगैरह को लेकर बात कर लें तो 5.8 आउट ऑफ 10 की कुछ IMDB की रेटिंग है इस मूवी को मिली हुई है। और वहीं पर इस मूवी को हैश सेकेंड पार्ट का जो है यहाँ पर पॉपुलर म्यूजिक सर्च का ट्रेड वो भी मिल रखा है। आप यहाँ पर पता ही होगा जैसे कि रोमांस म्यूजिकल पर आधारित मूवी है। वहीं पर अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आपके लिए बताना चाहूँगा ये जो मूवी है नेटफ्लिक्स के अलावा अमेजोन पर भी अवेलेबल है। जी दोस्तों, जिसको भी डिजिटल प्रीमियर देखना पसंद है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ऑफिशियली रूप से आप यहां पर देख सकते हैं नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर, जो कि OTT के रूप में आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसे में अगर बात कर लें YouTube को लेकर तो देखिए दोस्तों अभी तक ये ऑफिशियली रूप से YouTube पर कोई भी फ्री में अवेलेबल नहीं है, बाकी पैड रूप में आपको YouTube पर भी देखने को मिल जाएगी। तो आई होप जो भी YouTube को लेकर जानकारी होगी वो आपको क्लियर हो चुकी कि ये जो मूवी है YouTube पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो YouTube पर तो आपको पैड रूप में देखने को मिल जाएगी, लेकिन अभी फ्यूचर ऑफिशियल कोई भी चैनल पर ये मूवी अवेलेबल नहीं है। बाकी दोस्तों अगर बात कर लें इस मूवी के बारे में तो काफ़ी ठीक ठाक अच्छी मूवी है, उस टाइम के टाइम पे आधारित साबित हुई थी
और ऐसे में अगर दोस्तों बात कर लें इस मूवी की कुछ स्टोरी वगैरह को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी लव स्टोरी पर आधारित एक मूवी है। एक जो कह सकते हैं एक लेडीज के ऊपर जो कि अलीजे ब्रेकअप से उभरती है, और यहाँ पर एक संगीतकार जैसे कि हमारे भाई साहब रणवीर कपूर जो कि सिंगर के रूप में देखने को मिलते हैं न्यूयॉर्क में, और वहाँ पर उनसे हो जाता है लव, और उसके आगे की जो कहानी है काफ़ी सैडनेस लाइफ से काफ़ी गुजरते हैं दोनों, और काफ़ी दोस्ती और प्यार का आपको काफ़ी वो देखने को मिलता है इस मूवी में, रोमांस देखने को मिलता है, और ये इसकी जो कहानी आपको इसके आसपास ही घूमती रहती है, और काफ़ी लव रोमांस आपको मूवी में देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छी खासी मूवी है एंड आपको इसकी जो स्टोरी है काफ़ी ज़्यादा जो पसंद है वह पर आ सकती है। वैसे अगर कास्ट लेकर हम बात कर रहे हैं, तो अगर बात कर लें इस मूवी के मैन लीड एक्ट्रेस के बारे में, तो वहीं पर इस मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा, ऐश्वर्या राय बच्चन, फवाद खान, आलिया भट्ट, शाहरुख खान, ऐसे बहुत से जो कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, और काफ़ी ताबड़तोड़ एक्शन जो कह सकते हैं रोमांस मूवी है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ऐसे में दोस्तों काफ़ी जो पॉपुलर सॉन्ग्स हैं इस मूवी में दिए हैं जो कि काफ़ी ट्रेंड में भी अभी तक देखने को मिलते हैं। वहीं पर अगर दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया इस मूवी के कलेक्शन के बारे में, जैसे कि काफ़ी सुपरहिट साबित हुई थी उस टाइम पे 2016 की करीब, इसका जो बजट था लगभग 50 करोड़ के आसपास था, और इस मूवी ने जो वर्ल्ड वाइड टोटल अगर कलेक्शन की बात करें कि वर्ल्ड वाइड कितना कमाई की है, तो 238 करोड़ के आसपास उस टाइम पे इस मूवी ने जो है कमाई की थी, और काफ़ी ठीक ठाक सी मूवी साबित हुई थी। ऐसे में इस मूवी को लेके पॉजिटिव रिव्यूज़ काफ़ी आए थे। वहीं पर आपको बताना चाहूँगा इस मूवी को करण जौहर बनाने के लिए इंस्पायर हुए थे खुद की पर्सनल लाइफ को लेकर। जी हाँ दोस्तों, करण जौहर इंस्पायर हुए थे खुद की पर्सनल लाइफ को लेके, तब जाके यहाँ पर उन्होंने इस मूवी की कुछ स्क्रिप्ट तैयार की थी और यहाँ पर इस मूवी को बनाने का सोचा था, और काफ़ी मूवी भी ठीक ठाक सी चल गई थी। ऐसे में दोस्तों इस मूवी को आप देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, आप हमें कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं कि आप इस मूवी को देख चुके हैं या फिर देखने चाहते हैं, तो अपनी राय के बारे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों को लगता है कि ये मूवी देखने लायक या फिर हमें देखनी चाहिए, तो अगर दोस्तों आपको रोमांस म्यूजिकल मूवी देखना पसंद है, लव स्टोरी मूवीज देखना पसंद है, तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं और इस मूवी का इन्जॉय वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको मूवी कहीं ना कहीं काफ़ी जो पसंद है वो यहाँ पर आ सकती है। और वैसे दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि इस मूवी ने काफ़ी अच्छे खासे सॉन्ग्स हैं वो यहाँ पर दिए हैं, जिसमें कि सबसे पहले पॉपुलर सॉन्ग ऐ दिल मुश्किल, बुलिया, द ब्रेकअप सॉन्ग, चन्ना मेरेया, ऐसे बहुत से सॉन्ग्स हैं इस मूवी से जो हैं हमें देखने को मिले हैं, और काफ़ी आज के टाइम में भी ट्रेंड में चल रहे हैं, तो ऐसे में काफ़ी ठीक ठाक सी मूवी हो जाती है। तो जो लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर देख सकते हैं। और अगर कुछ बात कर लें इस मूवी के सैटेलाइट प्रीमियर के बारे में, तो सैटेलाइट प्रीमियर के जो राइट्स हैं अवेलेबल हैं YPM18 के पास, और इस मूवी के आए दिन जो TV प्रीमियर होता रहता है कलर सिनेप्लेक्स चैनल पर, और जब इस मूवी को रिलीज़ करके सिनेमाघरों के बाद OTT पर होने के बाद ये मूवी हमें देखने को मिली थी TV पर फर्स्ट टाइम कलर्स चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, कलर्स TV पर ये प्रीमियर की गई थी, क्योंकि उस टाइम पर ना ही कलर्स YPM18 का कोई कलर्स मूवी कोई चैनल नहीं था, तो इस टाइप से उस टाइम पर कलर्स TV जो सीरियल का चैनल है वहाँ पर इस मूवी का TV प्रीमियर फर्स्ट टाइम पर हमें देखने को मिला था। और कुछ टाइम में अब आपको ये जो मूवी है देखने को मिलती रहती है कलर सिनेप्लेक्स, कलर सिनेप्लेक्स सुपर हिट्स, कलर सिनेप्लेक्स बॉलीवुड, इन चैनल्स पर देखने को आए दिन मिलती रहती है। तो ऐसे में जो मूवी है आप नेटफ्लिक्स अमेजोन पर वॉच कर सकते हैं। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी के कुछ फैक्ट्स वगैरह को लेकर, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इस मूवी में फवाद खान जो हैं वो यहाँ पर पाकिस्तान के एक्ट्रेस हैं जो कि हमें इस मूवी में देखने को मिले हैं। और ऐसे में दोस्तों अगर कुछ अलग अपडेट को लेकर बात करें, तो काफ़ी जो फैंस का यहाँ पर कहना था कि इस मूवी में आलिया भट्ट का रोल है कौन सी जगह पर हमें देखने को मिलता है, तो आपको बताना चाहूँगा इस मूवी में द ब्रेकअप सॉन्ग देखने को मिलता है जो कि DJ पर चलता है, तो वहीं पर हमें आलिया भट्ट का रोल देखने को मिलता है। वहीं पर लास्ट सीन में आपको देखने को मिलता है कुछ क्लिप जो देखने को मिलती है, वहाँ पर शाहरुख खान को भी दिखाया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि इस मूवी में आलिया भट्ट भी और शाहरुख खान भी
आधारित हैं जो कि यहाँ पर देखने को मिले हैं, उन्होंने भी रोल किया है, तो काफ़ी लोगों को यहाँ पर नहीं पता है। ऐसे में एक्ट्रेस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। तो यही है दोस्तों कुछ इस मूवी की कहानी, फैक्ट्स, और यहाँ पर आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। बाकी दोस्तों आप सभी से मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट संदर्भ वीडियो में। आज की है वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली अपकमिंग OTT वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर अपडेट्स हैं उनकी सारी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सकें, और आप कोई भी नई मूवी आए वो कैसे और कहाँ पर देख सकते हैं पूरी जानकारी और साथ ही साथ रिव्यू भी देखने को मिल जाते हैं। तो आप हमारे चैनल्स पर बने रहिएगा। मिलते हैं आप सभी से किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सो क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग गाइस। आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ऐ दिल मुश्किल मूवी के बारे में। अगर दोस्तों आप इस मूवी को ढूंढ रहे हैं और आप इस मूवी को कैसे हिंदी भाषा में देख पाएंगे, जाने की पूरी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ऐ दिल मुश्किल के बारे में। और इस मूवी को अगर आप YouTube पर ढूंढ रहे हैं कैसे कहां पर देखने को मिलेगी, तो आज के इस वीडियो के अंदर सारी जानकारी मिल जाएगी। तो यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। बात करें दोस्तों ऐ दिल है मुश्किल मूवी के बारे में, तो साल 2016 में रिलीज हुई मूवी, काफ़ी अच्छी खासी रोमांस म्यूजिकल पर आधारित मूवी ऐ दिल है मुश्किल, जिसको की डायरेक्ट किया करण जौहर ने। और वहीं पर दोस्तों इस मूवी की अगर बात कर लें पॉजिटिव रिव्यू को लेकर, तो ऑडियंस की तरफ से काफ़ी ठीक ठाक से रिव्यूज इस मूवी को मिले हुए हैं। वहीं पर अगर इसकी रेटिंग वगैरह को लेकर बात कर लें, तो 5.8 आउट ऑफ 10 की कुछ IMDB की रेटिंग है इस मूवी को मिली हुई है। और वहीं पर इस मूवी को हैश सेकेंड पार्ट का जो है यहाँ पर पॉपुलर म्यूजिक सर्च का ट्रेड वो भी मिल रखा है। आप यहाँ पर पता ही होगा जैसे कि रोमांस म्यूजिकल पर आधारित मूवी है। वहीं पर अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आपके लिए बताना चाहूँगा, ये जो मूवी है नेटफ्लिक्स के अलावा Amazon पर भी अवेलेबल है। जी दोस्तों, जिसको भी डिजिटल प्रेमर देखना पसंद है, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ऑफिशियली रूप से आप यहां पर देख सकते हैं नेटफ्लिक्स और Amazon पर, जो कि OTT के रूप में आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसे में अगर बात कर लें YouTube को लेकर, तो देखिए दोस्तों अभी तक ये ऑफिशियली रूप से YouTube पर कोई भी फ्री में अवेलेबल नहीं है, बाकी पैड रूप में आपको YouTube पर भी देखने को मिल जाएगी। तो आई होप जो भी YouTube को लेकर जानकारी होगी वो आपको क्लियर हो चुकी कि ये जो मूवी है YouTube पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो YouTube पर तो आपको पैड रूप में देखने को मिल जाएगी, लेकिन अभी फ्यूचर ऑफिशियल कोई भी चैनल पर ये मूवी अवेलेबल नहीं है। बाकी दोस्तों अगर बात कर लें इस मूवी के बारे में, तो काफ़ी ठीक ठाक अच्छी मूवी है, उस टाइम के टाइम पे आधारित साबित हुई थी। और ऐसे में अगर दोस्तों बात कर लें इस मूवी की कुछ स्टोरी वगैरह को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी लव स्टोरी पर आधारित एक मूवी है। एक जो कह सकते हैं एक लेडीज के ऊपर जो कि अलीजे ब्रेकअप से उभरती है, और यहाँ पर एक संगीतकार जैसे कि हमारे भाई साहब रणवीर कपूर जो कि सिंगर के रूप में देखने को मिलते हैं न्यूयॉर्क में, और वहाँ पर उनसे हो जाता है लव, और उसके आगे की जो कहानी है काफ़ी सैडनेस लाइफ से काफ़ी गुजरते हैं दोनों, और काफ़ी दोस्ती और प्यार का आपको काफ़ी वो देखने को मिलता है इस मूवी में, रोमांस देखने को मिलता है। और ये इसकी जो कहानी आपको इसके आसपास ही घूमती रहती है, और काफ़ी लव रोमांस आपको मूवी में देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छी खासी मूवी है, एंड आपको इसकी जो स्टोरी है काफ़ी ज़्यादा जो पसंद है वहाँ पर आ सकती है। वैसे अगर कास्ट लेकर हम बात कर रहे हैं, तो अगर बात कर लें इस मूवी के मैन लीड एक्ट्रेस के बारे में, तो वहीं पर इस मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा, ऐश्वर्या राय बच्चन, फवाद खान, आलिया भट्ट, शाहरुख खान, ऐसे बहुत से जो कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और काफ़ी ताबड़तोड़ एक्शन जो कह सकते हैं रोमांस मूवी है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ऐसे में दोस्तों काफ़ी जो पॉपुलर सॉन्ग्स हैं इस मूवी में दिए हैं, जो कि काफ़ी ट्रेंड में भी अभी तक देखने को मिलते हैं। वहीं पर अगर दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया इस मूवी के कलेक्शन के बारे में, जैसे कि काफ़ी सुपरहिट साबित हुई थी उस टाइम पे 2016 की करीब, इसका जो बजट था लगभग 50 करोड़ के आसपास था, और इस मूवी ने जो वर्ल्ड वाइड टोटल अगर कलेक्शन की बात करें कि वर्ल्ड वाइड कितना कमाई की है, तो 238 करोड़ के आसपास उस टाइम पे इस मूवी ने जो है कमाई की थी, और काफ़ी ठीक ठाक सी मूवी साबित हुई थी। ऐसे में इस मूवी को लेके पॉजिटिव रिव्यूज़ काफ़ी आए थे। वहीं पर आपको बताना चाहूँगा इस मूवी को
करण जौहर बनाने के लिए इंस्पायर हुए थे खुद की पर्सनल लाइफ को लेकर। जी हाँ दोस्तों, करण जौहर इंस्पायर हुए थे खुद की पर्सनल लाइफ को लेकर, तब जाके यहाँ पर उन्होंने इस मूवी की कुछ स्क्रिप्ट तैयार की थी और यहाँ पर इस मूवी को बनाने का सोचा था और काफ़ी मूवी भी ठीक ठाक सी चल गई थी। ऐसे में दोस्तों, इस मूवी को आप देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं आप हमें कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं कि आप इस मूवी को देख चुके हैं या फिर देखने चाहते हैं, तो अपनी राय के बार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों को लगता है कि ये मूवी देखने लायक या फिर हमें देखनी चाहिए, तो अगर दोस्तों आपको रोमांस म्यूजिकल मूवी देखना पसंद है, लव स्टोरी मूवीज देखना पसंद है, तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं और इस मूवी का एंजॉय वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको मूवी कहीं ना कहीं काफ़ी जो पसंद है वो यहाँ पर आ सकती है। और वैसे दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस मूवी ने काफ़ी अच्छे खासे सॉन्ग्स हैं वो यहाँ पर दिए हैं, जिसमें कि सबसे पहले पॉपुलर सॉन्ग ए दिल मुश्किल, बुलिया, द ब्रेकअप सॉन्ग, चन्ना मेरेया, ऐसे बहुत से सॉन्ग्स हैं इस मूवी से जो हैं हमें देखने को मिले हैं और काफ़ी आज के टाइम में भी ट्रेंड में चल रहे हैं। तो ऐसे में काफ़ी ठीक ठाक सी मूवी हो जाती है। तो जो लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर देख सकते हैं। और अगर कुछ बात कर लें इस मूवी के सैटेलाइट प्रीमियर के बारे में, तो सैटेलाइट प्रीमियर के जो राइट्स हैं अवेलेबल हैं YPM18 के पास। और इस मूवी के आए दिन जो TV प्रीमियर होता रहता है कलर सिनेप्लेक्स चैनल पर, और जब इस मूवी को रिलीज़ करके सिनेमाघरों के बाद OTT पर होने के बाद ये मूवी हमें देखने को मिली थी TV पर फर्स्ट टाइम कलर्स चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, कलर्स TV पर ये प्रीमियर की गई थी, क्योंकि उस टाइम पर ना ही कलर्स YPM18 का कोई कलर्स मूवी कोई चैनल नहीं था, तो इस टाइप से उस टाइम पर कलर्स TV जो सीरियल का चैनल है वहाँ पर इस मूवी का TV प्रीमियर फर्स्ट टाइम पर हमें देखने को मिला था। और कुछ टाइम में अब आपको ये जो मूवी है देखने को मिलती रहती है कलर सिनेप्लेक्स, कलर सिनेप्लेक्स सुपर हिट्स, कलर सिनेप्लेक्स बॉलीवुड, इन चैनल्स पर देखने को आए दिन मिलती रहती है। तो ऐसे में जो मूवी है आप नेटफ्लिक्स अमेजोन पर वॉच कर सकते हैं। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी के कुछ फैक्ट्स वगैरह को लेकर, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इस मूवी में फवाद खान जो हैं वो यहाँ पर पाकिस्तान के एक्ट्रेस हैं जो कि हमें इस मूवी में देखने को मिले हैं। और ऐसे में दोस्तों, अगर कुछ अलग अपडेट को लेकर बात करें, तो काफ़ी जो फैंस का यहाँ पर कहना था कि इस मूवी में आलिया भट्ट का रोल है कौन सी जगह पर हमें देखने को मिलता है, तो आपको बताना चाहूँगा इस मूवी में द ब्रेकअप सॉन्ग देखने को मिलता है जो कि DJ पर चलता है, तो वहीं पर हमें आलिया भट्ट का रोल देखने को मिलता है। वहीं पर लास्ट सीन में आपको देखने को मिलता है कुछ क्लिप जो देखने को मिलती है, वहाँ पर शाहरुख खान को भी दिखाया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि इस मूवी में आलिया भट्ट भी और शाहरुख खान भी आधारित हैं जो कि यहाँ पर देखने को मिले हैं, उन्होंने भी रोल किया है, तो काफ़ी लोगों को यहाँ पर नहीं पता है। ऐसे में एक्ट्रेस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। तो यही है दोस्तों कुछ इस मूवी की कहानी फैक्ट्स, और यहाँ पर आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। बाकी दोस्तों, आप सभी से मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट संदर्भ वीडियो में। आज की है वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली अपकमिंग OTT वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर अपडेट्स हैं उनकी सारी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और आप कोई भी नई मूवी आए वो कैसे और कहां पर देख सकते हैं पूरी जानकारी और साथ ही साथ रिव्यू भी देखने को मिल जाते हैं, तो आप हमारे चैनल्स पर बने रहिएगा। मिलते हैं आप सभी से किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में। वीडियो देखने के लिए सो क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ए दिल मुश्किल मूवी के बारे में। अगर दोस्तों आप इस मूवी को ढूंढ रहे हैं और आप इस मूवी को कैसे हिंदी भाषा में देख पाएंगे, जानेंगे पूरी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ए दिल मुश्किल के बारे में। और इस मूवी को अगर आप YouTube पर ढूंढ रहे हैं कैसे कहां पर देखने को मिलेगी, तो आज के इस वीडियो के अंदर सारी जानकारी मिल जाएगी। तो यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। बात करें दोस्तों ए दिल मुश्किल मूवी के बारे में, तो साल 2016 में रिलीज हुई मूवी काफ़ी अच्छी खासी रोमांस म्यूजिकल पर आधारित मूवी ए दिल मुश्किल, जिसको की डायरेक्ट किया करण जौहर ने। और वहीं पर दोस्तों इस मूवी की अगर बात कर लें पॉजिटिव रिव्यू को लेकर, तो ऑडियंस की तरफ से काफ़ी ठीक ठाक से रिव्यूज इस मूवी को मिले हुए हैं। वहीं पर अगर इसकी रेटिंग वगैरह को लेकर बात कर लें, तो 5.8 आउट ऑफ 10 की कुछ IMDb की रेटिंग है इस मूवी को मिली हुई है। और वहीं पर इस मूवी को हैश सेकेंड पार्ट का जो है यहाँ पर पॉपुलर म्यूजिक सर्च का ट्रेड वो भी मिल रखा है। आप यहाँ पर पता ही होगा जैसे कि रोमांस म्यूजिकल पर आधारित मूवी है। वहीं पर अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं, तो आपके लिए बताना चाहूँगा ये जो मूवी है
नेटफ्लिक्स के अलावा अमेजोन पर भी अवेलेबल है। जी दोस्तों, जिसको भी डिजिटल प्रेमर देखना पसंद है, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ऑफिशियली रूप से आप यहां पर देख सकते हैं नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर, जो कि OTT के रूप में आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसे में अगर बात कर लें यूट्यूब को लेकर, तो देखिए दोस्तों, अभी तक ये ऑफिशियली रूप से यूट्यूब पर कोई भी फ्री में अवेलेबल नहीं है, बाकी पैड रूप में आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाएगी। तो आई होप जो भी यूट्यूब को लेकर जानकारी होगी वो आपको क्लियर हो चुकी कि ये जो मूवी है यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो यूट्यूब पर तो आपको पैड रूप में देखने को मिल जाएगी, लेकिन अभी फ्यूचर ऑफिशियल कोई भी चैनल पर ये मूवी अवेलेबल नहीं है। बाकी दोस्तों, अगर बात कर लें इस मूवी के बारे में, तो काफ़ी ठीक ठाक अच्छी मूवी है, उस टाइम पे आधारित साबित हुई थी। और ऐसे में अगर दोस्तों बात कर लें इस मूवी की कुछ स्टोरी वगैरह को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी लव स्टोरी पर आधारित एक मूवी है। एक जो कह सकते हैं एक लेडीज के ऊपर जो कि अलीजे ब्रेकअप से उभरती है, और यहाँ पर एक संगीतकार जैसे कि हमारे भाई साहब रणवीर कपूर जो कि सिंगर के रूप में देखने को मिलते हैं न्यूयॉर्क में, और वहाँ पर उनसे हो जाता है लव, और उसके आगे की जो कहानी है काफ़ी सैडनेस लाइफ से काफ़ी गुजरते हैं दोनों, और काफ़ी दोस्ती और प्यार का आपको काफ़ी वो देखने को मिलता है इस मूवी में, रोमांस देखने को मिलता है। और ये इसकी जो कहानी आपको इसके आसपास ही घूमती रहती है, और काफ़ी लव रोमांस आपको मूवी में देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छी खासी मूवी है, एंड आपको इसकी जो स्टोरी है काफ़ी ज़्यादा जो पसंद है वहाँ पर आ सकती है। वैसे अगर कास्ट लेकर हम बात कर रहे हैं, तो अगर बात कर लें इस मूवी के मैन लीड एक्ट्रेस के बारे में, तो वहीं पर इस मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा, ऐश्वर्या राय बच्चन, फवाद खान, आलिया भट्ट, शाहरुख खान, ऐसे बहुत से जो कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, और काफ़ी ताबड़तोड़ एक्शन जो कह सकते हैं रोमांस मूवी है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ऐसे में दोस्तों काफ़ी जो पॉपुलर सॉन्ग्स हैं इस मूवी में दिए हैं, जो कि काफ़ी ट्रेंड में भी अभी तक देखने को मिलते हैं। वहीं पर अगर दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया इस मूवी के कलेक्शन के बारे में, जैसे कि काफ़ी सुपरहिट साबित हुई थी उस टाइम पे 2016 की करीब, इसका जो बजट था लगभग 50 करोड़ के आसपास था, और इस मूवी ने जो वर्ल्ड वाइड टोटल अगर कलेक्शन की बात करें कि वर्ल्ड वाइड कितना कमाई की है, तो 238 करोड़ के आसपास उस टाइम पे इस मूवी ने जो है कमाई की थी, और काफ़ी ठीक ठाक सी मूवी साबित हुई थी। ऐसे में इस मूवी को लेके पॉजिटिव रिव्यूज़ काफ़ी आए थे। वहीं पर आपको बताना चाहूँगा, इस मूवी को करण जौहर बनाने के लिए इंस्पायर हुए थे खुद की पर्सनल लाइफ को लेकर। जी हाँ दोस्तों, करण जौहर इंस्पायर हुए थे खुद की पर्सनल लाइफ को लेके, तब जाके यहाँ पर उन्होंने इस मूवी की कुछ स्क्रिप्ट तैयार की थी, और यहाँ पर इस मूवी को बनाने का सोचा था, और काफ़ी मूवी भी ठीक ठाक सी चल गई थी। ऐसे में दोस्तों इस मूवी को आप देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, आप हमें कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं कि आप इस मूवी को देख चुके हैं या फिर देखने चाहते हैं, तो अपनी राय के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों को लगता है कि ये मूवी देखने लायक या फिर हमें देखनी चाहिए, तो अगर दोस्तों आपको रोमांस म्यूजिकल मूवी देखना पसंद है, लव स्टोरी मूवीज देखना पसंद है, तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं, और इस मूवी का इंजॉय वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको मूवी कहीं ना कहीं काफ़ी जो पसंद है वो यहाँ पर आ सकती है। और वैसे दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि इस मूवी ने काफ़ी अच्छे खासे सॉन्ग्स हैं वो यहाँ पर दिए हैं, जिसमें कि सबसे पहले पॉपुलर सॉन्ग ऐ दिल है मुश्किल, बुलिया, द ब्रेकअप सॉन्ग, चन्ना मेरेया, ऐसे बहुत से सॉन्ग्स हैं इस मूवी से जो हैं हमें देखने को मिले हैं, और काफ़ी आज के टाइम में भी ट्रेंड में चल रहे हैं। तो ऐसे में काफ़ी ठीक ठाक सी मूवी हो जाती है। तो जो लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हैं, तो नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर देख सकते हैं। और अगर कुछ बात कर लें इस मूवी के सैटेलाइट प्रीमियर के बारे में, तो सैटेलाइट प्रीमियर के जो राइट्स हैं अवेलेबल हैं YPM18 के पास, और इस मूवी के आए दिन जो TV प्रीमियर होता रहता है कलर सिनेप्लेक्स चैनल पर, और जब इस मूवी को रिलीज़ करके सिनेमाघरों के बाद OTT पर होने के बाद ये मूवी हमें देखने को मिली थी TV पर फर्स्ट टाइम कलर्स चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, कलर्स TV पर ये प्रीमियर की गई थी, क्योंकि उस टाइम पर ना ही कलर्स YPM18 का कोई कलर्स मूवी कोई चैनल नहीं था, तो इस टाइप से उस टाइम पर कलर्स TV जो सीरियल का चैनल है वहाँ पर इस मूवी का TV प्रीमियर फर्स्ट टाइम पर हमें देखने को मिला था। और कुछ टाइम में अब आपको ये जो मूवी है देखने को मिलती रहती है कलर्स सिनेप्लेक्स, कलर्स सिनेप्लेक्स सुपर हिट्स, कलर्स सिनेप्लेक्स बॉलीवुड, इन चैनल्स पर देखने को आए दिन मिलती रहती है। तो ऐसे में जो मूवी है आप नेटफ्लिक्स अमेजोन पर वॉच कर सकते हैं। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी के कुछ फैक्ट्स वगैरह को लेकर, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इस मूवी में
फवाद खान जो हैं वो यहाँ पर पाकिस्तान के एक्ट्रेस हैं जो कि हमें इस मूवी में देखने को मिले हैं। और ऐसे में दोस्तों अगर कुछ अलग अपडेट को लेकर बात करें तो काफ़ी जो फैंस का यहाँ पर कहना था कि इस मूवी में आलिया भट्ट का रोल है कौन सी जगह पर हमें देखने को मिलता है, तो आपको बताना चाहूँगा इस मूवी में द ब्रेकअप सॉन्ग देखने को मिलता है जो कि डीजे पर चलता है, तो वहीं पर हमें आलिया भट्ट का रोल देखने को मिलता है। वहीं पर लास्ट सीन में आपको देखने को मिलता है कुछ क्लिप जो देखने को मिलती है वहाँ पर शाहरुख खान को भी दिखाया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि इस मूवी में आलिया भट्ट भी और शाहरुख खान भी आधारित हैं जो कि यहाँ पर देखने को मिले हैं, उन्होंने भी रोल किया है, तो काफ़ी लोगों को यहाँ पर नहीं पता है। ऐसे में एक्ट्रेस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। तो यही है दोस्तों कुछ इस मूवी की कहानी फैक्ट्स, और यहाँ पर आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। बाकी दोस्तों आप सभी से मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट अंदर वीडियो में। आज की है वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली अपकमिंग OTT वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर अपडेट्स हैं उनकी सारी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सकें, और आप कोई भी नई मूवी आए वो कैसे और कहाँ पर देख सकते हैं पूरी जानकारी और साथ ही साथ रिव्यू भी देखने को मिल जाते हैं। तो आप हमारे चैनल्स पर बने रहिएगा। मिलते हैं आप सभी से किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में। वीडियो देखने के लिए सो क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। गाइस आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ऐ दिल है मुश्किल मूवी के बारे में। अगर दोस्तों आप इस मूवी को ढूंढ रहे हैं और आप इस मूवी को कैसे हिंदी भाषा में देख पाएंगे जाने की पूरी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ऐ दिल है मुश्किल के बारे में। और इस मूवी को अगर आप YouTube पर ढूंढ रहे हैं कैसे कहां पर देखने को मिलेगी तो आज के इस वीडियो के अंदर सारी जानकारी मिल जाएगी। तो यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। बात करें दोस्तों ऐ दिल है मुश्किल मूवी के बारे में तो साल 2016 में रिलीज हुई मूवी काफ़ी अच्छी खासी रोमांस म्यूजिकल पर आधारित मूवी ऐ दिल है मुश्किल, जिसको कि डायरेक्ट किया करण जौहर ने। और वहीं पर दोस्तों इस मूवी की अगर बात कर लें पॉजिटिव रिव्यू को लेकर तो ऑडियंस की तरफ से काफ़ी ठीक ठाक से रिव्यूज इस मूवी को मिले हुए हैं। वहीं पर अगर इसकी रेटिंग वगैरह को लेकर बात कर लें तो 5.8 आउट ऑफ 10 की कुछ IMDB की रेटिंग है इस मूवी को मिली हुई है। और वहीं पर इस मूवी को हैश सेकेंड पार्ट का जो है यहाँ पर पॉपुलर म्यूजिक सर्च का ट्रेड वो भी मिल रखा है। आप यहाँ पर पता ही होगा जैसे कि रोमांस म्यूजिकल पर आधारित मूवी है। वहीं पर अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आपके लिए बताना चाहूँगा ये जो मूवी है नेटफ्लिक्स के अलावा Amazon पर भी अवेलेबल है। जी दोस्तों, जिसको भी डिजिटल प्रेमर देखना पसंद है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ऑफिशियली रूप से आप यहां पर देख सकते हैं नेटफ्लिक्स और Amazon पर, जो कि OTT के रूप में आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसे में अगर बात कर लें YouTube को लेकर तो देखिए दोस्तों अभी तक ये ऑफिशियली रूप से यूट्यूब पर कोई भी फ्री में अवेलेबल नहीं है, बाकी पैड रूप में आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाएगी। तो आई होप जो भी यूट्यूब को लेकर जानकारी होगी वो आपको क्लियर हो चुकी कि ये जो मूवी है YouTube पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो YouTube पर तो आपको पैड रूप में देखने को मिल जाएगी, लेकिन अभी फ्यूचर ऑफिशियल कोई भी चैनल पर ये मूवी अवेलेबल नहीं है। बाकी दोस्तों अगर बात कर लें इस मूवी के बारे में तो काफ़ी ठीक ठाक अच्छी मूवी है, उस टाइम के टाइम पे आधारित साबित हुई थी। और ऐसे में अगर दोस्तों बात कर लें इस मूवी की कुछ स्टोरी वगैरह को लेकर तो दोस्तों इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी लव स्टोरी पर आधारित एक मूवी है। एक जो कह सकते हैं एक लेडीज के ऊपर जो कि अलीजे ब्रेकअप से उभरती है, और यहाँ पर एक संगीतकार जैसे कि हमारे भाई साहब रणवीर कपूर जो कि सिंगर के रूप में देखने को मिलते हैं न्यूयॉर्क में, और वहाँ पर उनसे हो जाता है लव, और उसके आगे की जो कहानी है काफ़ी सैडनेस लाइफ से काफ़ी गुजरते हैं दोनों, और काफ़ी दोस्ती और प्यार का आपको काफ़ी वो देखने को मिलता है इस मूवी में, रोमांस देखने को मिलता है। और ये इसकी जो कहानी आपको इसके आसपास ही घूमती रहती है, और काफ़ी लव रोमांस आपको मूवी में देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छी खासी मूवी है, एंड आपको इसकी जो स्टोरी है काफ़ी ज़्यादा जो पसंद है वहाँ पर आ सकती है। वैसे अगर कास्ट लेकर हम बात कर रहे हैं तो अगर बात कर लें इस मूवी के मैन लीड एक्ट्रेस के बारे में तो वहीं पर इस मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा, ऐश्वर्या राय बच्चन, फवाद खान, आलिया भट्ट, शाहरुख खान, ऐसे बहुत से जो कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, और काफ़ी ताबड़तोड़ एक्शन जो कह सकते हैं रोमांस मूवी है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ऐसे में दोस्तों काफ़ी जो पॉपुलर सॉन्ग्स हैं इस मूवी में दिए हैं जो कि काफ़ी ट्रेंड में भी अभी तक देखने को मिलते हैं। वहीं पर अगर दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया इस मूवी के
कलेक्शन के बारे में, जैसे कि काफ़ी सुपरहिट साबित हुई थी उस टाइम पे 2016 की करीब। इसका जो बजट था लगभग 50 करोड़ के आसपास था और इस मूवी ने जो वर्ल्ड वाइड टोटल अगर कलेक्शन की बात करें कि वर्ल्ड वाइड कितना कमाई की है तो 238 करोड़ के आसपास उस टाइम पे इस मूवी ने जो है कमाई की थी और काफ़ी ठीक ठाक सी मूवी साबित हुई थी। ऐसे में इस मूवी को लेके पॉजिटिव रिव्यूज़ काफ़ी आए थे। वहीं पर आपको बताना चाहूँगा इस मूवी को करण जौहर बनाने के लिए इंस्पायर हुए थे खुद की पर्सनल लाइफ को लेकर। जी हाँ दोस्तों, करण जौहर इंस्पायर हुए थे खुद की पर्सनल लाइफ को लेके, तब जाके यहाँ पर उन्होंने इस मूवी की कुछ स्क्रिप्ट तैयार की थी और यहाँ पर इस मूवी को बनाने का सोचा था और काफ़ी मूवी भी ठीक ठाक सी चल गई थी। ऐसे में दोस्तों इस मूवी को आप देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं आप हमें कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं कि आप इस मूवी को देख चुके हैं या फिर देखने चाहते हैं, तो अपनी राय के बार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों को लगता है कि ये मूवी देखने लायक है फिर हमें देखनी चाहिए, तो अगर दोस्तों आपको रोमांस म्यूजिकल मूवी देखना पसंद है, लव स्टोरी मूवीज देखना पसंद है, तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं और इस मूवी का एंजॉय वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको मूवी कहीं ना कहीं काफ़ी जो पसंद है वो यहाँ पर आ सकती है। और वैसे दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि इस मूवी ने काफ़ी अच्छे खासे सॉन्ग्स हैं वो यहाँ पर दिए हैं, जिसमें कि सबसे पहले पॉपुलर सॉन्ग ए दिल मुश्किल, बुलिया, द ब्रेकअप सॉन्ग, चन्ना मेरेया, ऐसे बहुत से सॉन्ग्स हैं इस मूवी से जो है हमें देखने को मिले हैं और काफ़ी आज के टाइम में भी ट्रेंड में चल रहे हैं। तो ऐसे में काफ़ी ठीक ठाक सी मूवी हो जाती है। तो जो लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर देख सकते हैं। और अगर कुछ बात कर लें इस मूवी के सैटेलाइट प्रीमियर के बारे में, तो सैटेलाइट प्रीमियर के जो राइट्स हैं अवेलेबल हैं YPM 18 के पास। और इस मूवी के आए दिन जो TV प्रीमियर होता रहता है कलर सिनेप्लेक्स चैनल पर, और जब इस मूवी को रिलीज़ करके सिनेमाघरों के बाद OTT पर होने के बाद ये मूवी हमें देखने को मिली थी TV पर फर्स्ट टाइम कलर्स चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, कलर्स TV पर ये प्रीमियर की गई थी, क्योंकि उस टाइम पर ना ही कलर्स YPN18 का कोई कलर्स मूवी कोई चैनल नहीं था, तो इस टाइप से उस टाइम पर कलर्स TV जो सीरियल का चैनल है वहाँ पर इस मूवी का TV प्रीमियर फर्स्ट टाइम पर हमें देखने को मिला था। और कुछ टाइम में अब आपको ये जो मूवी है देखने को मिलती रहती है कलर्स सिनेप्लेक्स, कलर्स सिनेप्लेक्स सुपर हिट्स, कलर्स सिनेप्लेक्स बॉलीवुड, इन चैनल्स पर देखने को आए दिन मिलती रहती है। तो ऐसे में जो मूवी है आप नेटफ्लिक्स अमेजोन पर वॉच कर सकते हैं। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी के कुछ फैक्ट्स वगैरह को लेकर, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इस मूवी में फवाद खान जो हैं वो यहाँ पर पाकिस्तान के एक्ट्रेस हैं जो कि हमें इस मूवी में देखने को मिले हैं। और ऐसे में दोस्तों अगर कुछ अलग अपडेट को लेकर बात करें, तो काफ़ी जो फैंस का यहाँ पर कहना था कि इस मूवी में आलिया भट्ट का रोल है कौन सी जगह पर हमें देखने को मिलता है, तो आपको बताना चाहूँगा इस मूवी में द ब्रेकअप सॉन्ग देखने को मिलता है जो कि DJ पर चलता है, तो वहीं पर हमें आलिया भट्ट का रोल देखने को मिलता है। वहीं पर लास्ट सीन में आपको देखने को मिलता है कुछ क्लिप जो देखने को मिलती है वहाँ पर शाहरुख खान को भी दिखाया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि इस मूवी में आलिया भट्ट भी और शाहरुख खान भी आधारित हैं जो कि यहाँ पर देखने को मिले हैं, उन्होंने भी रोल किया है, तो काफ़ी लोगों को यहाँ पर नहीं पता है। ऐसे में एक्ट्रेस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। तो यही है दोस्तों कुछ इस मूवी की कहानी फैक्ट्स, और यहाँ पर आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। बाकी दोस्तों आप सभी से मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में। आज की है वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली अपकमिंग OTT वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर अपडेट्स हैं उनकी सारी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। और आप कोई भी नई मूवी आए वो कैसे और कहाँ पर देख सकते हैं पूरी जानकारी और साथ ही साथ रिव्यू भी देखने को मिल जाते हैं, तो आप हमारे चैनल्स पर बने रहिएगा। मिलते हैं आप सभी से किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में। वीडियो देखने के लिए सो क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। गाइस आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ए दिल है मुश्किल मूवी के बारे में। अगर दोस्तों आप इस मूवी को ढूंढ रहे हैं और आप इस मूवी को कैसे हिंदी भाषा में देख पाएंगे, जाने की पूरी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ए दिल है मुश्किल के बारे में। और इस मूवी को अगर आप YouTube पर ढूंढ रहे हैं कैसे कहां पर देखने को मिलेगी, तो आज के इस वीडियो के अंदर सारी जानकारी मिल जाएगी। तो यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। बात करें दोस्तों ए दिल है मुश्किल मूवी के बारे में, तो साल 2016 में रिलीज हुई मूवी, काफ़ी अच्छी खासी रोमांस म्यूजिकल पर आधारित मूवी ए दिल है मुश्किल, जिसको कि डायरेक्ट किया करण जौहर ने। और वहीं पर दोस्तों इस मूवी की अगर बात कर लें पॉजिटिव रिव्यू को लेकर, तो ऑडियंस की तरफ से
काफ़ी ठीक ठाक से रिव्यूज इस मूवी को मिले हुए हैं। वहीं पर अगर इसकी रेटिंग वगैरह को लेकर बात कर लें तो 5.8 आउट ऑफ 10 की कुछ IMDB की रेटिंग है इस मूवी को मिली हुई है। और वहीं पर इस मूवी को हैश सेकेंड पार्ट का जो है यहाँ पर पॉपुलर म्यूजिक सर्च का ट्रेड वो भी मिल रखा है। आप यहाँ पर पता ही होगा जैसे कि रोमांस म्यूजिकल पर आधारित मूवी है। वहीं पर अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आपके लिए बताना चाहूँगा ये जो मूवी है नेटफ्लिक्स के अलावा Amazon पर भी अवेलेबल है। जी दोस्तों, जिसको भी डिजिटल प्रेमर देखना पसंद है, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ऑफिशियली रूप से आप यहां पर देख सकते हैं Netflix और Amazon पर, जो कि OTT के रूप में आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसे में अगर बात कर लें YouTube को लेकर तो देखिए दोस्तों, अभी तक ये ऑफिशियली रूप से यूट्यूब पर कोई भी फ्री में अवेलेबल नहीं है, बाकी पैड रूप में आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाएगी। तो आई होप जो भी यूट्यूब को लेकर जानकारी होगी वो आपको क्लियर हो चुकी कि ये जो मूवी है YouTube पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो YouTube पर तो आपको फैट रूप में देखने को मिल जाएगी, लेकिन अभी फ्यूचर ऑफिशियल कोई भी चैनल पर ये मूवी अवेलेबल नहीं है। बाकी दोस्तों अगर बात कर लें इस मूवी के बारे में तो काफ़ी ठीक ठाक अच्छी मूवी है, उस टाइम के टाइम पे आधारित साबित हुई थी। और ऐसे में अगर दोस्तों बात कर लें इस मूवी की कुछ स्टोरी वगैरह को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी लव स्टोरी पर आधारित एक मूवी है। एक जो कह सकते हैं एक लेडीज़ के ऊपर जो कि अलीजे ब्रेकअप से उभरती है, और यहाँ पर एक संगीतकार जैसे कि हमारे भाई साहब रणवीर कपूर जो कि सिंगर के रूप में देखने को मिलते हैं न्यूयॉर्क में, और वहाँ पर उनसे हो जाता है लव, और उसके आगे की जो कहानी है काफ़ी सैडनेस लाइफ से काफ़ी गुजरते हैं दोनों, और काफ़ी दोस्ती और प्यार का आपको काफ़ी वो देखने को मिलता है इस मूवी में, रोमांस देखने को मिलता है। और ये इसकी जो कहानी आपको इसके आसपास ही घूमती रहती है, और काफ़ी लव रोमांस आपको मूवी में देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छी खासी मूवी है, एंड आपको इसकी जो स्टोरी है काफ़ी ज़्यादा जो पसंद है वहाँ पर आ सकती है। वैसे अगर कास्ट लेकर हम बात कर रहे हैं तो अगर बात कर लें इस मूवी के मैन लीड एक्ट्रेस के बारे में, तो वहीं पर इस मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा, ऐश्वर्या राय बच्चन, फवाद खान, आलिया भट्ट, शाहरुख खान, ऐसे बहुत से जो कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, और काफ़ी ताबड़तोड़ एक्शन जो कह सकते हैं रोमांस मूवी है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ऐसे में दोस्तों काफ़ी जो पॉपुलर सॉन्ग्स हैं इस मूवी में दिए हैं, जो कि काफ़ी ट्रेंड में भी अभी तक देखने को मिलते हैं। वहीं पर अगर दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया इस मूवी के कलेक्शन के बारे में, जैसे कि काफ़ी सुपरहिट साबित हुई थी उस टाइम पे 2016 की करीब, इसका जो बजट था लगभग 50 करोड़ के आसपास था, और इस मूवी ने जो वर्ल्ड वाइड टोटल अगर कलेक्शन की बात करें कि वर्ल्ड वाइड कितना कमाई की है, तो 238 करोड़ के आसपास उस टाइम पे इस मूवी ने जो है कमाई की थी, और काफ़ी ठीक ठाक सी मूवी साबित हुई थी। ऐसे में इस मूवी को लेके पॉजिटिव रिव्यूज़ काफ़ी आए थे। वहीं पर आपको बताना चाहूँगा इस मूवी को करण जौहर बनाने के लिए इंस्पायर हुए थे खुद की पर्सनल लाइफ को लेकर। जी हाँ दोस्तों, करण जौहर इंस्पायर हुए थे खुद की पर्सनल लाइफ को लेके, तब जाके यहाँ पर उन्होंने इस मूवी की कुछ स्क्रिप्ट तैयार की थी और यहाँ पर इस मूवी को बनाने का सोचा था, और काफ़ी मूवी भी ठीक ठाक सी चल गई थी। ऐसे में दोस्तों इस मूवी को आप देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, आप हमें कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं कि आप इस मूवी को देख चुके हैं या फिर देखने चाहते हैं, तो अपनी राय के बार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों को लगता है कि ये मूवी देखने लायक है फिर हमें देखनी चाहिए, तो अगर दोस्तों आपको रोमांस म्यूजिकल मूवी देखना पसंद है, लव स्टोरी मूवीज देखना पसंद है, तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं और इस मूवी का एंजॉय वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको मूवी कहीं ना कहीं काफ़ी जो पसंद है वो यहाँ पर आ सकती है। और वैसे दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि इस मूवी ने काफ़ी अच्छे खासे सॉन्ग्स हैं वो यहाँ पर दिए हैं, जिसमें कि सबसे पहले पॉपुलर सॉन्ग ए दिल मुश्किल, बुलिया, द ब्रेकअप सॉन्ग, चन्ना मेरेया, ऐसे बहुत से सॉन्ग्स हैं इस मूवी से जो हैं हमें देखने को मिले हैं, और काफ़ी आज के टाइम में भी ट्रेंड में चल रहे हैं। तो ऐसे में काफ़ी ठीक ठाक सी मूवी हो जाती है। तो जो लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो Netflix और Amazon पर देख सकते हैं। और अगर कुछ बात कर लें इस मूवी के सैटेलाइट प्रीमियर के बारे में, तो सैटेलाइट प्रीमियर के जो राइट्स हैं अवेलेबल हैं YPM18 के पास, और इस मूवी के आए दिन जो TV प्रीमियर होता रहता है कलर सिनेप्लेक्स चैनल पर, और जब इस मूवी को रिलीज़ करके सिनेमाघरों के बाद OTT पर होने के बाद ये मूवी हमें देखने को मिली थी TV पर फर्स्ट टाइम कलर्स चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, कलर्स
पर ये प्रीमियर की गई थी, क्योंकि उस टाइम पर ना ही कलर्स YP19 का कोई कलर्स मूवी कोई चैनल नहीं था, तो इस टाइप से उस टाइम पर कलर्स TV जो सीरियल का चैनल है वहाँ पर इस मूवी का TV प्रीमियर फर्स्ट टाइम पर हमें देखने को मिला था। और कुछ टाइम में अब आपको ये जो मूवी है देखने को मिलती रहती है कलर्स सिनेप्लेक्स, कलर्स सिनेप्लेक्स सुपर हिट्स, कलर्स सिनेप्लेक्स बॉलीवुड, इन चैनल्स पर देखने को आए दिन मिलती रहती है। तो ऐसे में जो मूवी है आप नेटफ्लिक्स अमेजोन पर वॉच कर सकते हैं। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी के कुछ फैक्ट्स वगैरह को लेकर, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इस मूवी में फवाद खान जो हैं वो यहाँ पर पाकिस्तान के एक्ट्रेस हैं जो कि हमें इस मूवी में देखने को मिले हैं। और ऐसे में दोस्तों अगर कुछ अलग अपडेट को लेकर बात करें, तो काफ़ी जो फैंस का यहाँ पर कहना था कि इस मूवी में आलिया भट्ट का रोल है कौन सी जगह पर हमें देखने को मिलता है, तो आपको बताना चाहूँगा इस मूवी में द ब्रेकअप सॉन्ग देखने को मिलता है जो कि DJ पर चलता है, तो वहीं पर हमें आलिया भट्ट का रोल देखने को मिलता है। वहीं पर लास्ट सीन में आपको देखने को मिलता है कुछ क्लिप जो देखने को मिलती है वहाँ पर शाहरुख खान को भी दिखाया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि इस मूवी में आलिया भट्ट भी और शाहरुख खान भी आधारित हैं जो कि यहाँ पर देखने को मिले हैं, उन्होंने भी रोल किया है, तो काफ़ी लोगों को यहाँ पर नहीं पता है। ऐसे में एक्ट्रेस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। तो यही है दोस्तों कुछ इस मूवी की कहानी फैक्ट्स, और यहाँ पर आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। बाकी दोस्तों आप सभी से मिलता हूँ किसी और एक शानदार वीडियो में। आज की है वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली अपकमिंग OTT वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर अपडेट्स हैं उनकी सारी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके, और आप कोई भी नई मूवी आए वो कैसे और कहाँ पर देख सकते हैं पूरी जानकारी और साथ ही साथ रिव्यू भी देखने को मिल जाते हैं। तो आप हमारे चैनल्स पर बने रहिएगा। मिलते हैं आप सभी से किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में। वीडियो देखने के लिए सो क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। गाइस आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ऐ दिल है मुश्किल मूवी के बारे में। अगर दोस्तों आप इस मूवी को ढूंढ रहे हैं और आप इस मूवी को कैसे हिंदी भाषा में देख पाएंगे, जाने की पूरी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ऐ दिल है मुश्किल के बारे में। और इस मूवी को अगर आप YouTube पर ढूंढ रहे हैं कैसे कहां पर देखने को मिलेगी, तो आज के इस वीडियो के अंदर सारी जानकारी मिल जाएगी। तो यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। बात करें दोस्तों ऐ दिल है मुश्किल मूवी के बारे में, तो साल 2016 में रिलीज हुई मूवी, काफ़ी अच्छी खासी रोमांस म्यूजिकल पर आधारित मूवी ऐ दिल है मुश्किल, जिसको की डायरेक्ट किया करण जौहर ने। और वहीं पर दोस्तों इस मूवी की अगर बात कर लें पॉजिटिव रिव्यू को लेकर, तो ऑडियंस की तरफ से काफ़ी ठीक ठाक से रिव्यूज इस मूवी को मिले हुए हैं। वहीं पर अगर इसकी रेटिंग वगैरह को लेकर बात कर लें, तो 5.8 आउट ऑफ 10 की कुछ IMDb की रेटिंग है इस मूवी को मिली हुई है। और वहीं पर इस मूवी को हैश सेकेंड पार्ट का जो है यहाँ पर पॉपुलर म्यूजिक सर्च का ट्रेड वो भी मिल रखा है। आप यहाँ पर पता ही होगा जैसे कि रोमांस म्यूजिकल पर आधारित मूवी है। वहीं पर अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं, तो आपके लिए बताना चाहूँगा ये जो मूवी है नेटफ्लिक्स के अलावा अमेजोन पर भी अवेलेबल है। जी दोस्तों, जिसको भी डिजिटल प्रीमियर देखना पसंद है, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं, तो ऑफिशियली रूप से आप यहां पर देख सकते हैं नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर, जो कि OTT के रूप में आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसे में अगर बात कर लें यूट्यूब को लेकर, तो देखिए दोस्तों अभी तक ये ऑफिशियली रूप से यूट्यूब पर कोई भी फ्री में अवेलेबल नहीं है, बाकी पैड रूप में आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाएगी। तो आई होप जो भी यूट्यूब को लेकर जानकारी होगी वो आपको क्लियर हो चुकी कि ये जो मूवी है यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो यूट्यूब पर तो आपको पैड रूप में देखने को मिल जाएगी, लेकिन अभी फ्यूचर ऑफिशियल कोई भी चैनल पर ये मूवी अवेलेबल नहीं है। बाकी दोस्तों अगर बात कर लें इस मूवी के बारे में, तो काफ़ी ठीक ठाक अच्छी मूवी है, उस टाइम के टाइम पे आधारित साबित हुई थी। और ऐसे में अगर दोस्तों बात कर लें इस मूवी की कुछ स्टोरी वगैरह को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी लव स्टोरी पर आधारित एक मूवी है। एक जो कह सकते हैं एक लेडीज़ के ऊपर जो कि अलीजे ब्रेकअप से उभरती है, और यहाँ पर एक संगीतकार जैसे कि हमारे भाई साहब रणवीर कपूर जो कि सिंगर के रूप में देखने को मिलते हैं न्यूयॉर्क में, और वहाँ पर उनसे हो जाता है लव, और उसके आगे की जो कहानी है काफ़ी सैडनेस लाइफ से काफ़ी गुजरते हैं दोनों, और काफ़ी दोस्ती और प्यार का आपको काफ़ी वो देखने को मिलता है।
मिलता है इस मूवी में, रोमांस देखने को मिलता है। और ये इसकी जो कहानी आपको इसके आसपास ही घूमती रहती है और काफ़ी लव रोमांस आपको मूवी में देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छी खासी मूवी है एंड आपको इसकी जो स्टोरी है काफ़ी ज़्यादा जो पसंद है वहाँ पर आ सकती है। वैसे अगर कास्ट लेकर हम बात कर रहे हैं तो अगर बात कर लें इस मूवी के मैन लीड एक्ट्रेस के बारे में तो वहीं पर इस मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा, ऐश्वर्या राय बच्चन, फवाद खान, आलिया भट्ट, शाहरुख खान, ऐसे बहुत से जो कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और काफ़ी ताबड़तोड़ एक्शन जो कह सकते हैं रोमांस मूवी है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ऐसे में दोस्तों काफ़ी जो पॉपुलर सॉन्ग्स हैं इस मूवी में दिए हैं जो कि काफ़ी ट्रेंड में भी अभी तक देखने को मिलते हैं। वहीं पर अगर दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया इस मूवी के कलेक्शन के बारे में, जैसे कि काफ़ी सुपरहिट साबित हुई थी उस टाइम पे 2016 की करीब, इसका जो बजट था लगभग 50 करोड़ के आसपास था और इस मूवी ने जो वर्ल्ड वाइड टोटल अगर कलेक्शन की बात करें कि वर्ल्ड वाइड कितना कमाई की है तो 238 करोड़ के आसपास उस टाइम पे इस मूवी ने जो है कमाई की थी और काफ़ी ठीक ठाक सी मूवी साबित हुई थी। ऐसे में इस मूवी को लेके पॉजिटिव रिव्यूज़ काफ़ी आए थे। वहीं पर आपको बताना चाहूँगा इस मूवी को करण जौहर बनाने के लिए इंस्पायर हुए थे खुद की पर्सनल लाइफ को लेकर। जी हाँ दोस्तों, करण जौहर इंस्पायर हुए थे खुद की पर्सनल लाइफ को लेके, तब जाके यहाँ पर उन्होंने इस मूवी की कुछ स्क्रिप्ट तैयार की थी और यहाँ पर इस मूवी को बनाने का सोचा था और काफ़ी मूवी भी ठीक ठाक सी चल गई थी। ऐसे में दोस्तों इस मूवी को आप देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं आप हमें कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं कि आप इस मूवी को देख चुके हैं या फिर देखने चाहते हैं, तो अपनी राय के बारे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों को लगता है कि ये मूवी देखने लायक है फिर हमें देखनी चाहिए, तो अगर दोस्तों आपको रोमांस म्यूजिकल मूवी देखना पसंद है, लव स्टोरी मूवीज़ देखना पसंद है, तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं और इस मूवी का एंजॉय वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको मूवी कहीं ना कहीं काफ़ी जो पसंद है वो यहाँ पर आ सकती है। और वैसे दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि इस मूवी ने काफ़ी अच्छे खासे सॉन्ग्स हैं वो यहाँ पर दिए हैं, जिसमें कि सबसे पहले पॉपुलर सॉन्ग ऐ दिल मुश्किल, बुलिया, द ब्रेकअप सॉन्ग, चन्ना मेरेया, ऐसे बहुत से सॉन्ग्स हैं इस मूवी से जो हैं हमें देखने को मिले हैं और काफ़ी आज के टाइम में भी ट्रेंड में चल रहे हैं। तो ऐसे में काफ़ी ठीक ठाक सी मूवी हो जाती है। तो जो लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर देख सकते हैं। और अगर कुछ बात कर लें इस मूवी के सैटेलाइट प्रीमियर के बारे में तो सैटेलाइट प्रीमियर के जो राइट्स हैं अवेलेबल हैं YPM 18 के पास। और इस मूवी के आए दिन जो TV प्रीमियर होता रहता है कलर सिनेप्लेक्स चैनल पर, और जब इस मूवी को रिलीज करके सिनेमाघरों के बाद OTT पर होने के बाद ये मूवी हमें देखने को मिली थी TV पर फर्स्ट टाइम कलर्स चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, कलर्स TV पर ये प्रीमियर की गई थी क्योंकि उस टाइम पर ना ही कलर्स YPM 18 का कोई कलर्स मूवी कोई चैनल नहीं था, तो इस टाइप से उस टाइम पर कलर्स TV जो सीरियल का चैनल है वहाँ पर इस मूवी का TV प्रीमियर फर्स्ट टाइम पर हमें देखने को मिला था। और कुछ टाइम में अब आपको ये जो मूवी है देखने को मिलती रहती है कलर्स सिनेप्लेक्स, कलर्स सिनेप्लेक्स सुपर हिट्स, कलर्स सिनेप्लेक्स बॉलीवुड, इन चैनल्स पर देखने को आए दिन मिलती रहती है। तो ऐसे में जो मूवी है आप नेटफ्लिक्स अमेजोन पर वॉच कर सकते हैं। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी के कुछ फैक्ट्स वगैरह को लेकर तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इस मूवी में फवाद खान जो हैं वो यहाँ पर पाकिस्तान के एक्ट्रेस हैं जो कि हमें इस मूवी में देखने को मिले हैं। और ऐसे में दोस्तों अगर कुछ अलग अपडेट को लेकर बात करें तो काफ़ी जो फैंस का यहाँ पर कहना था कि इस मूवी में आलिया भट्ट का रोल है कौन सी जगह पर हमें देखने को मिलता है, तो आपको बताना चाहूँगा इस मूवी में द ब्रेकअप सॉन्ग देखने को मिलता है जो कि DJ पर चलता है, तो वहीं पर हमें आलिया भट्ट का रोल देखने को मिलता है। वहीं पर लास्ट सीन में आपको देखने को मिलता है कुछ क्लिप जो देखने को मिलती है वहाँ पर शाहरुख खान को भी दिखाया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि इस मूवी में आलिया भट्ट भी और शाहरुख खान भी आधारित हैं जो कि यहाँ पर देखने को मिले हैं, उन्होंने भी रोल किया है, तो काफ़ी लोगों को यहाँ पर नहीं पता है। ऐसे में एक्ट्रेस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। तो यही है दोस्तों कुछ इस मूवी की कहानी फैक्ट्स, और यहाँ पर आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। बाकी दोस्तों आप सभी से मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में। आज की है वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली अपकमिंग OTT वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर अपडेट्स हैं उनकी सारी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। और आप कोई भी नई मूवी आए वो कैसे और कहाँ पर देख सकते हैं पूरी जानकारी और साथ ही साथ रिव्यू भी देखने को मिल जाते हैं, तो आप हमारे चैनल्स पर बने रहिएगा। मिलते हैं आप सभी से किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
सो क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। गाइज आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ऐ दिल है मुश्किल मूवी के बारे में। अगर दोस्तों आप इस मूवी को ढूंढ रहे हैं और आप इस मूवी को कैसे हिंदी भाषा में देख पाएंगे, जाने की पूरी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ऐ दिल है मुश्किल के बारे में। और इस मूवी को अगर आप YouTube पर ढूंढ रहे हैं कैसे कहां पर देखने को मिलेगी, तो आज के इस वीडियो के अंदर सारी जानकारी मिल जाएगी। तो यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। बात करें दोस्तों ऐ दिल है मुश्किल मूवी के बारे में, तो साल 2016 में रिलीज हुई मूवी, काफ़ी अच्छी खासी रोमांस म्यूजिकल पर आधारित मूवी ऐ दिल है मुश्किल, जिसको कि डायरेक्ट किया करण जौहर ने। और वहीं पर दोस्तों इस मूवी की अगर बात कर लें पॉजिटिव रिव्यू को लेकर, तो ऑडियंस की तरफ से काफ़ी ठीक ठाक से रिव्यूज इस मूवी को मिले हुए हैं। वहीं पर अगर इसकी रेटिंग वगैरह को लेकर बात कर लें, तो 5.8 आउट ऑफ 10 की कुछ IMDB की रेटिंग है इस मूवी को मिली हुई है। और वहीं पर इस मूवी को हैश सेकेंड पार्ट का जो है यहाँ पर पॉपुलर म्यूजिक सर्च का ट्रेड वो भी मिल रखा है। आप यहाँ पर पता ही होगा जैसे कि रोमांस म्यूजिकल पर आधारित मूवी है। वहीं पर अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं, तो आपके लिए बताना चाहूँगा ये जो मूवी है नेटफ्लिक्स के अलावा Amazon पर भी अवेलेबल है। जी दोस्तों, जिसको भी डिजिटल प्रेमर देखना पसंद है, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं, तो ऑफिशियली रूप से आप यहां पर देख सकते हैं नेटफ्लिक्स और Amazon पर, जो कि OTT के रूप में आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसे में अगर बात कर लें YouTube को लेकर, तो देखिए दोस्तों अभी तक ये ऑफिशियली रूप से YouTube पर कोई भी फ्री में अवेलेबल नहीं है, बाकी पैड रूप में आपको YouTube पर भी देखने को मिल जाएगी। तो आई होप जो भी YouTube को लेकर जानकारी होगी वो आपको क्लियर हो चुकी कि ये जो मूवी है YouTube पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो YouTube पर तो आपको पैड रूप में देखने को मिल जाएगी, लेकिन अभी फ्यूचर ऑफिशियल कोई भी चैनल पर ये मूवी अवेलेबल नहीं है। बाकी दोस्तों अगर बात कर लें इस मूवी के बारे में, तो काफ़ी ठीक ठाक अच्छी मूवी है, उस टाइम के टाइम पे आधारित साबित हुई थी। और ऐसे में अगर दोस्तों बात कर लें इस मूवी की कुछ स्टोरी वगैरह को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी लव स्टोरी पर आधारित एक मूवी है। एक जो कह सकते हैं एक लेडीज के ऊपर जो कि अलीजे ब्रेकअप से उभरती है, और यहाँ पर एक संगीतकार जैसे कि हमारे भाई साहब रणवीर कपूर जो कि सिंगर के रूप में देखने को मिलते हैं न्यूयॉर्क में, और वहाँ पर उनसे हो जाता है लव, और उसके आगे की जो कहानी है काफ़ी सैडनेस लाइफ से काफ़ी गुजरते हैं दोनों, और काफ़ी दोस्ती और प्यार का आपको काफ़ी वो देखने को मिलता है इस मूवी में, रोमांस देखने को मिलता है। और ये इसकी जो कहानी आपको इसके आसपास ही घूमती रहती है, और काफ़ी लव रोमांस आपको मूवी में देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छी खासी मूवी है, एंड आपको इसकी जो स्टोरी है काफ़ी ज़्यादा जो पसंद है वहाँ पर आ सकती है। वैसे अगर कास्ट लेकर हम बात कर रहे हैं, तो अगर बात कर लें इस मूवी के मैन लीड एक्ट्रेस के बारे में, तो वहीं पर इस मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे रणवीर कपूर, अनुष्का शर्मा, ऐश्वर्या राय बच्चन, फवाद खान, आलिया भट्ट, शाहरुख खान, ऐसे बहुत से जो कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और काफ़ी ताबड़तोड़ एक्शन जो कह सकते हैं रोमांस मूवी है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ऐसे में दोस्तों काफ़ी जो पॉपुलर सॉन्ग्स हैं इस मूवी में दिए हैं, जो कि काफ़ी ट्रेंड में भी अभी तक देखने को मिलते हैं। वहीं पर अगर दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया इस मूवी के कलेक्शन के बारे में, जैसे कि काफ़ी सुपरहिट साबित हुई थी उस टाइम पे 2016 की करीब, इसका जो बजट था लगभग 50 करोड़ के आसपास था, और इस मूवी ने जो वर्ल्ड वाइड टोटल अगर कलेक्शन की बात करें कि वर्ल्ड वाइड कितना कमाई की है, तो 238 करोड़ के आसपास उस टाइम पे इस मूवी ने जो है कमाई की थी, और काफ़ी ठीक ठाक सी मूवी साबित हुई थी। ऐसे में इस मूवी को लेके पॉजिटिव रिव्यूज काफ़ी आए थे। वहीं पर आपको बताना चाहूँगा इस मूवी को करण जौहर बनाने के लिए इंस्पायर हुए थे खुद की पर्सनल लाइफ को लेकर। जी हाँ दोस्तों, करण जौहर इंस्पायर हुए थे खुद की पर्सनल लाइफ को लेके, तब जाके यहाँ पर उन्होंने इस मूवी की कुछ स्क्रिप्ट तैयार की थी, और यहाँ पर इस मूवी को बनाने का सोचा था, और काफ़ी मूवी भी ठीक ठाक सी चल गई थी। ऐसे में दोस्तों इस मूवी को आप देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, आप हमें कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं कि आप इस मूवी को देख चुके हैं या फिर देखने चाहते हैं, तो अपनी राय के बारे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों को लगता है कि ये मूवी देखने लायक है, फिर हमें देखनी चाहिए, तो अगर दोस्तों आपको रोमांस म्यूजिकल मूवी देखना पसंद है, लव स्टोरी मूवीज देखना पसंद है, तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं और इस मूवी का एंजॉय वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको मूवी कहीं ना कहीं काफ़ी जो पसंद है
वो यहाँ पर आ सकती है। और वैसे दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि इस मूवी ने काफ़ी अच्छे खासे सॉन्ग्स हैं वो यहाँ पर दिए हैं, जिसमें कि सबसे पहले पॉपुलर सॉन्ग ए दिल है मुश्किल, बुलिया, द ब्रेकअप सॉन्ग, चन्ना मेरेया, ऐसे बहुत से सॉन्ग्स हैं इस मूवी से जो हैं हमें देखने को मिले हैं और काफ़ी आज के टाइम में भी ट्रेंड में चल रहे हैं। तो ऐसे में काफ़ी ठीक ठाक सी मूवी हो जाती है। तो जो लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर देख सकते हैं। और अगर कुछ बात कर लें इस मूवी के सैटेलाइट प्रीमियर के बारे में, तो सैटेलाइट प्रीमियर के जो राइट्स हैं अवेलेबल हैं YPM 18 के पास। और इस मूवी के आए दिन जो TV प्रीमियर होता रहता है कलर सिनेप्लेक्स चैनल पर, और जब इस मूवी को रिलीज़ करके सिनेमाघरों के बाद OTT पर होने के बाद ये मूवी हमें देखने को मिली थी TV पर फर्स्ट टाइम कलर्स चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, कलर्स TV पर ये प्रीमियर की गई थी, क्योंकि उस टाइम पर ना ही कलर्स YPM 18 का कोई कलर्स मूवी कोई चैनल नहीं था, तो इस टाइप से उस टाइम पर कलर्स TV जो सीरियल का चैनल है वहाँ पर इस मूवी का TV प्रीमियर फर्स्ट टाइम पर हमें देखने को मिला था। और कुछ टाइम में अब आपको ये जो मूवी है देखने को मिलती रहती है कलर्स सिनेप्लेक्स, कलर्स सिनेप्लेक्स सुपर हिट्स, कलर्स सिनेप्लेक्स बॉलीवुड, इन चैनल्स पर देखने को आए दिन मिलती रहती है। तो ऐसे में जो मूवी है आप नेटफ्लिक्स अमेजोन पर वॉच कर सकते हैं। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी के कुछ फैक्ट्स वगैरह को लेकर, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इस मूवी में फवाद खान जो हैं वो यहाँ पर पाकिस्तान के एक्ट्रेस हैं जो कि हमें इस मूवी में देखने को मिले हैं। और ऐसे में दोस्तों अगर कुछ अलग अपडेट को लेकर बात करें, तो काफ़ी जो फैंस का यहाँ पर कहना था कि इस मूवी में आलिया भट्ट का रोल है कौन सी जगह पर हमें देखने को मिलता है, तो आपको बताना चाहूँगा इस मूवी में द ब्रेकअप सॉन्ग देखने को मिलता है जो कि DJ पर चलता है, तो वहीं पर हमें आलिया भट्ट का रोल देखने को मिलता है। वहीं पर लास्ट सीन में आपको देखने को मिलता है कुछ क्लिप जो देखने को मिलती है, वहाँ पर शाहरुख खान को भी दिखाया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि इस मूवी में आलिया भट्ट भी और शाहरुख खान भी आधारित हैं जो कि यहाँ पर देखने को मिले हैं, उन्होंने भी रोल किया है, तो काफ़ी लोगों को यहाँ पर नहीं पता है। ऐसे में एक्ट्रेस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। तो यही है दोस्तों कुछ इस मूवी की कहानी फैक्ट्स, और यहाँ पर आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। बाकी दोस्तों आप सभी से मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में। आज की है वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली अपकमिंग OTT वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर अपडेट्स हैं उनकी सारी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। और आप कोई भी नई मूवी आए वो कैसे और कहाँ पर देख सकते हैं पूरी जानकारी और साथ ही साथ रिव्यू भी देखने को मिल जाते हैं, तो आप हमारे चैनल्स पर बने रहिएगा। मिलते हैं आप सभी से किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में। वीडियो देखने के लिए सो क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। गाइज आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ए दिल है मुश्किल मूवी के बारे में। अगर दोस्तों आप इस मूवी को ढूंढ रहे हैं और आप इस मूवी को कैसे हिंदी भाषा में देख पाएंगे, जाने की पूरी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ए दिल है मुश्किल के बारे में। और इस मूवी को अगर आप YouTube पर ढूंढ रहे हैं कैसे कहां पर देखने को मिलेगी, तो आज के इस वीडियो के अंदर सारी जानकारी मिल जाएगी। तो यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। बात करें दोस्तों ए दिल है मुश्किल मूवी के बारे में, तो साल 2016 में रिलीज हुई मूवी, काफ़ी अच्छी खासी रोमांस म्यूजिकल पर आधारित मूवी ए दिल है मुश्किल, जिसको की डायरेक्ट किया करण जौहर ने। और वहीं पर दोस्तों इस मूवी की अगर बात कर लें पॉजिटिव रिव्यू को लेकर, तो ऑडियंस की तरफ से काफ़ी ठीक ठाक से रिव्यूज इस मूवी को मिले हुए हैं। वहीं पर अगर इसकी रेटिंग वगैरह को लेकर बात कर लें, तो 5.8 आउट ऑफ 10 की कुछ IMDB की रेटिंग है इस मूवी को मिली हुई है। और वहीं पर इस मूवी को हैश सेकेंड पार्ट का जो है यहाँ पर पॉपुलर म्यूजिक सर्च का ट्रेड वो भी मिल रखा है। आप यहाँ पर पता ही होगा जैसे कि रोमांस म्यूजिकल पर आधारित मूवी है, वहीं पर अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आपके लिए बताना चाहूँगा ये जो मूवी है नेटफ्लिक्स के अलावा अमेजोन पर भी अवेलेबल है। जी दोस्तों, जिसको भी डिजिटल प्रीमियर देखना पसंद है, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ऑफिशियली रूप से आप यहां पर देख सकते हैं नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर, जो कि OTT के रूप में आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसे में अगर बात कर लें यूट्यूब को लेकर, तो देखिए दोस्तों अभी तक ये ऑफिशियली रूप से यूट्यूब पर कोई भी फ्री में अवेलेबल नहीं है, बाकी पैड रूप में आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाएगी। तो आई होप जो भी यूट्यूब को लेकर जानकारी होगी वो आपको क्लियर हो चुकी कि ये जो मूवी है यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो यूट्यूब पर तो आपको पैड रूप
में देखने को मिल जाएगी, लेकिन अभी फ्यूचर ऑफिशियल कोई भी चैनल पर ये मूवी अवेलेबल नहीं है। बाकी दोस्तों अगर बात कर लें इस मूवी के बारे में तो काफ़ी ठीक ठाक अच्छी मूवी है, उस टाइम के टाइम पर आधारित साबित हुई थी। और ऐसे में अगर दोस्तों बात कर लें इस मूवी की कुछ स्टोरी वगैरह को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी लव स्टोरी पर आधारित एक मूवी है। एक जो कह सकते हैं एक लेडीज़ के ऊपर जो कि अलीज़े ब्रेकअप से उभरती है, और यहाँ पर एक संगीतकार जैसे कि हमारे भाई साहब रणवीर कपूर जो कि सिंगर के रूप में देखने को मिलते हैं न्यूयॉर्क में, और वहाँ पर उनसे हो जाता है लव, और उसके आगे की जो कहानी है काफ़ी सैडनेस लाइफ से काफ़ी गुजरते हैं दोनों, और काफ़ी दोस्ती और प्यार का आपको काफ़ी वो देखने को मिलता है इस मूवी में, रोमांस देखने को मिलता है। और ये इसकी जो कहानी आपको इसके आसपास ही घूमती रहती है, और काफ़ी लव रोमांस आपको मूवी में देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छी खासी मूवी है, एंड आपको इसकी जो स्टोरी है काफ़ी ज़्यादा जो पसंद है वहाँ पर आ सकती है। वैसे अगर कास्ट को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो अगर बात कर लें इस मूवी के मैन लीड एक्ट्रेस के बारे में, तो वहीं पर इस मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे रणवीर कपूर, अनुष्का शर्मा, ऐश्वर्या राय बच्चन, फवाद खान, आलिया भट्ट, शाहरुख खान, ऐसे बहुत से जो कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, और काफ़ी ताबड़तोड़ एक्शन जो कह सकते हैं रोमांस मूवी है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ऐसे में दोस्तों काफ़ी जो पॉपुलर सॉन्ग्स हैं इस मूवी में दिए हैं जो कि काफ़ी ट्रेंड में भी अभी तक देखने को मिलते हैं। वहीं पर अगर दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया इस मूवी के कलेक्शन के बारे में, जैसे कि काफ़ी सुपरहिट साबित हुई थी उस टाइम पे 2016 की करीब, इसका जो बजट था लगभग 50 करोड़ के आसपास था, और इस मूवी ने जो वर्ल्ड वाइड टोटल अगर कलेक्शन की बात करें कि वर्ल्ड वाइड कितना कमाई की है, तो 238 करोड़ के आसपास उस टाइम पे इस मूवी ने जो है कमाई की थी, और काफ़ी ठीक ठाक सी मूवी साबित हुई थी। ऐसे में इस मूवी को लेके पॉजिटिव रिव्यूज़ काफ़ी आए थे। वहीं पर आपको बताना चाहूँगा इस मूवी को करण जौहर बनाने के लिए इंस्पायर हुए थे खुद की पर्सनल लाइफ को लेकर। जी हाँ दोस्तों, करण जौहर इंस्पायर हुए थे खुद की पर्सनल लाइफ को लेके, तब जाके यहाँ पर उन्होंने इस मूवी की कुछ स्क्रिप्ट तैयार की थी और यहाँ पर इस मूवी को बनाने का सोचा था, और काफ़ी मूवी भी ठीक ठाक सी चल गई थी। ऐसे में दोस्तों इस मूवी को आप देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, आप हमें कमेंट में एक बार ज़रूर बताइए कि आप इस मूवी को देख चुके हैं या फिर देखने चाहते हैं, तो अपनी राय के बारे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों को लगता है कि ये मूवी देखने लायक है फिर हमें देखनी चाहिए, तो अगर दोस्तों आपको रोमांस म्यूजिकल मूवी देखना पसंद है, लव स्टोरी मूवीज़ देखना पसंद है, तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं और इस मूवी का एंजॉय वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको मूवी कहीं ना कहीं काफ़ी जो पसंद है वो यहाँ पर आ सकती है। और वैसे दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि इस मूवी ने काफ़ी अच्छे खासे सॉन्ग्स हैं वो यहाँ पर दिए हैं, जिसमें कि सबसे पहले पॉपुलर सॉन्ग ए दिल मुश्किल, बुलिया, द ब्रेकअप सॉन्ग, चन्ना मेरेया, ऐसे बहुत से सॉन्ग्स हैं इस मूवी से जो हैं हमें देखने को मिले हैं, और काफ़ी आज के टाइम में भी ट्रेंड में चल रहे हैं, तो ऐसे में काफ़ी ठीक ठाक सी मूवी हो जाती है। तो जो लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर देख सकते हैं। और अगर कुछ बात कर लें इस मूवी के सैटेलाइट प्रीमियर के बारे में, तो सैटेलाइट प्रीमियर के जो राइट्स हैं अवेलेबल हैं YPM18 के पास, और इस मूवी के आए दिन जो TV प्रीमियर होता रहता है कलर सिनेप्लेक्स चैनल पर, और जब इस मूवी को रिलीज़ करके सिनेमाघरों के बाद OTT पर होने के बाद ये मूवी हमें देखने को मिली थी TV पर फर्स्ट टाइम कलर्स चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, कलर्स TV पर ये प्रीमियर की गई थी, क्योंकि उस टाइम पर ना ही कलर्स YPM18 का कोई कलर्स मूवी कोई चैनल नहीं था, तो इस टाइप से उस टाइम पर कलर्स TV जो सीरियल का चैनल है वहाँ पर इस मूवी का TV प्रीमियर फर्स्ट टाइम पर हमें देखने को मिला था। और कुछ टाइम में अब आपको ये जो मूवी है देखने को मिलती रहती है कलर्स सिनेप्लेक्स, कलर्स सिनेप्लेक्स सुपर हिट्स, कलर्स सिनेप्लेक्स बॉलीवुड, इन चैनल्स पर देखने को आए दिन मिलती रहती है। तो ऐसे में जो मूवी है आप नेटफ्लिक्स अमेजोन पर वॉच कर सकते हैं। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी के कुछ फैक्ट्स वगैरह को लेकर, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इस मूवी में फवाद खान जो हैं वो यहाँ पर पाकिस्तान के एक्ट्रेस हैं जो कि हमें इस मूवी में देखने को मिले हैं। और ऐसे में दोस्तों अगर कुछ अलग अपडेट को लेकर बात करें, तो काफ़ी जो फैंस का यहाँ पर कहना था कि इस मूवी में आलिया भट्ट का रोल है कौन सी जगह पर हमें देखने को मिलता है, तो आपको बताना चाहूँगा इस मूवी में द ब्रेकअप सॉन्ग देखने को मिलता है जो कि DJ पर चलता है, तो वहीं पर हमें आलिया भट्ट का रोल देखने को मिलता है। वहीं पर लास्ट सीन में आपको देखने को मिलता है कुछ क्लिप जो देखने को मिलती है वहाँ पर शाहरुख खान को भी दिखाया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि इस मूवी में आलिया भट्ट भी और शाहरुख खान भी
आधारित हैं जो कि यहाँ पर देखने को मिले हैं, उन्होंने भी रोल किया है, तो काफ़ी लोगों को यहाँ पर नहीं पता है। ऐसे में एक्ट्रेस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। तो यही है दोस्तों कुछ इस मूवी की कहानी, फैक्ट्स, और यहाँ पर आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। बाकी दोस्तों आप सभी से मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में। आज की है वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली अपकमिंग OTT वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर अपडेट्स हैं उनकी सारी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सकें, और आप कोई भी नई मूवी आए वो कैसे और कहाँ पर देख सकते हैं पूरी जानकारी और साथ ही साथ रिव्यू भी देखने को मिल जाते हैं। तो आप हमारे चैनल्स पर बने रहिएगा। मिलते हैं आप सभी से किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में। वीडियो देखने के लिए सो क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। गाइस आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ए दिल है मुश्किल मूवी के बारे में। अगर दोस्तों आप इस मूवी को ढूंढ रहे हैं और आप इस मूवी को कैसे हिंदी भाषा में देख पाएंगे, जाने की पूरी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ए दिल है मुश्किल के बारे में। और इस मूवी को अगर आप YouTube पर ढूंढ रहे हैं कैसे कहां पर देखने को मिलेगी, तो आज के इस वीडियो के अंदर सारी जानकारी मिल जाएगी। तो यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। बात करें दोस्तों ए दिल है मुश्किल मूवी के बारे में, तो साल 2016 में रिलीज हुई मूवी, काफ़ी अच्छी खासी रोमांस म्यूजिकल पर आधारित मूवी ए दिल है मुश्किल, जिसको कि डायरेक्ट किया करण जौहर ने। और वहीं पर दोस्तों इस मूवी की अगर बात कर लें पॉजिटिव रिव्यू को लेकर, तो ऑडियंस की तरफ से काफ़ी ठीक ठाक से रिव्यूज इस मूवी को मिले हुए हैं। वहीं पर अगर इसकी रेटिंग वगैरह को लेकर बात कर लें तो 5.8 आउट ऑफ 10 की कुछ IMDB की रेटिंग है इस मूवी को मिली हुई है। और वहीं पर इस मूवी को #2nd पार्ट का जो है यहाँ पर पॉपुलर म्यूजिक सर्च का ट्रेड वो भी मिल रखा है। आप यहाँ पर पता ही होगा जैसे कि रोमांस म्यूजिकल पर आधारित मूवी है, वहीं पर अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आपके लिए बताना चाहूँगा ये जो मूवी है नेटफ्लिक्स के अलावा Amazon पर भी अवेलेबल है। जी दोस्तों, जिसको भी डिजिटल प्रेमर देखना पसंद है, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ऑफिशियली रूप से आप यहां पर देख सकते हैं नेटफ्लिक्स और Amazon पर, जो कि OTT के रूप में आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसे में अगर बात कर लें YouTube को लेकर, तो देखिए दोस्तों अभी तक ये ऑफिशियली रूप से YouTube पर कोई भी फ्री में अवेलेबल नहीं है, बाकी पैड रूप में आपको YouTube पर भी देखने को मिल जाएगी। तो आई होप जो भी YouTube को लेकर जानकारी होगी वो आपको क्लियर हो चुकी कि ये जो मूवी है YouTube पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो YouTube पर तो आपको पैड रूप में देखने को मिल जाएगी, लेकिन अभी फ्यूचर ऑफिशियल कोई भी चैनल पर ये मूवी अवेलेबल नहीं है। बाकी दोस्तों अगर बात कर लें इस मूवी के बारे में, तो काफ़ी ठीक ठाक अच्छी मूवी है, उस टाइम के टाइम पे आधारित साबित हुई थी। और ऐसे में अगर दोस्तों बात कर लें इस मूवी की कुछ स्टोरी वगैरह को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी लव स्टोरी पर आधारित एक मूवी है। एक जो कह सकते हैं एक लेडीज़ के ऊपर जो कि अलीजे ब्रेकअप से उभरती है, और यहाँ पर एक संगीतकार जैसे कि हमारे भाई साहब रणवीर कपूर जो कि सिंगर के रूप में देखने को मिलते हैं न्यूयॉर्क में, और वहाँ पर उनसे हो जाता है लव, और उसके आगे की जो कहानी है काफ़ी सैडनेस लाइफ से काफ़ी गुजरते हैं दोनों, और काफ़ी दोस्ती और प्यार का आपको काफ़ी वो देखने को मिलता है इस मूवी में, रोमांस देखने को मिलता है। और ये इसकी जो कहानी आपको इसके आसपास ही घूमती रहती है, और काफ़ी लव रोमांस आपको मूवी में देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छी खासी मूवी है, एंड आपको इसकी जो स्टोरी है काफ़ी ज़्यादा जो पसंद है वह पर आ सकती है। वैसे अगर कास्ट लेकर हम बात कर रहे हैं, तो अगर बात कर लें इस मूवी के मैन लीड एक्ट्रेस के बारे में, तो वहीं पर इस मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा, ऐश्वर्या राय बच्चन, फवाद खान, आलिया भट्ट, शाहरुख खान, ऐसे बहुत से जो कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और काफ़ी ताबड़तोड़ एक्शन जो कह सकते हैं रोमांस मूवी है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ऐसे में दोस्तों काफ़ी जो पॉपुलर सॉन्ग्स हैं इस मूवी में दिए हैं, जो कि काफ़ी ट्रेंड में भी अभी तक देखने को मिलते हैं। वहीं पर अगर दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया इस मूवी के कलेक्शन के बारे में, जैसे कि काफ़ी सुपरहिट साबित हुई थी उस टाइम पे 2016 की करीब, इसका जो बजट था लगभग 50 करोड़ के आसपास था, और इस मूवी ने जो वर्ल्ड वाइड टोटल अगर कलेक्शन की बात करें कि वर्ल्ड वाइड कितना कमाई की है, तो 238 करोड़ के आसपास उस टाइम पे इस मूवी ने जो है कमाई की थी, और काफ़ी ठीक ठाक सी मूवी साबित हुई थी। ऐसे में इस मूवी को लेके पॉजिटिव रिव्यूज़ काफ़ी आए थे। वहीं पर आपको बताना चाहूँगा इस मूवी को
करण जौहर बनाने के लिए इंस्पायर हुए थे खुद की पर्सनल लाइफ को लेकर। जी हाँ दोस्तों, करण जौहर इंस्पायर हुए थे खुद की पर्सनल लाइफ को लेकर, तब जाके यहाँ पर उन्होंने इस मूवी की कुछ स्क्रिप्ट तैयार की थी और यहाँ पर इस मूवी को बनाने का सोचा था और काफ़ी मूवी भी ठीक ठाक सी चल गई थी। ऐसे में दोस्तों, इस मूवी को आप देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं आप हमें कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं कि आप इस मूवी को देख चुके हैं या फिर देखने चाहते हैं, तो अपनी राय के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों को लगता है कि ये मूवी देखने लायक है फिर हमें देखनी चाहिए, तो अगर दोस्तों आपको रोमांस म्यूजिकल मूवी देखना पसंद है, लव स्टोरी मूवीज देखना पसंद है, तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं और इस मूवी का एंजॉय वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको मूवी कहीं ना कहीं काफ़ी जो पसंद है वो यहाँ पर आ सकती है। और वैसे दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस मूवी ने काफ़ी अच्छे खासे सॉन्ग्स हैं वो यहाँ पर दिए हैं, जिसमें कि सबसे पहले पॉपुलर सॉन्ग ए दिल मुश्किल, बुलिया, द ब्रेकअप सॉन्ग, चन्ना मेरेया, ऐसे बहुत से सॉन्ग्स हैं इस मूवी से जो हैं हमें देखने को मिले हैं और काफ़ी आज के टाइम में भी ट्रेंड में चल रहे हैं। तो ऐसे में काफ़ी ठीक ठाक सी मूवी हो जाती है। तो जो लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर देख सकते हैं। और अगर कुछ बात कर लें इस मूवी के सैटेलाइट प्रीमियर के बारे में, तो सैटेलाइट प्रीमियर के जो राइट्स हैं अवेलेबल हैं YPM18 के पास, और इस मूवी के आए दिन जो TV प्रीमियर होता रहता है कलर सिनेप्लेक्स चैनल पर, और जब इस मूवी को रिलीज़ करके सिनेमाघरों के बाद OTT पर होने के बाद ये मूवी हमें देखने को मिली थी TV पर फर्स्ट टाइम कलर्स चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, कलर्स TV पर ये प्रीमियर की गई थी, क्योंकि उस टाइम पर ना ही कलर्स YPM18 का कोई कलर्स मूवी कोई चैनल नहीं था, तो इस टाइप से उस टाइम पर कलर्स TV जो सीरियल का चैनल है वहाँ पर इस मूवी का TV प्रीमियर फर्स्ट टाइम पर हमें देखने को मिला था। और कुछ टाइम में अब आपको ये जो मूवी है देखने को मिलती रहती है कलर्स सिनेप्लेक्स, कलर्स सिनेप्लेक्स सुपर हिट्स, कलर्स सिनेप्लेक्स बॉलीवुड, इन चैनल्स पर देखने को आए दिन मिलती रहती है। तो ऐसे में जो मूवी है आप नेटफ्लिक्स अमेजोन पर वॉच कर सकते हैं। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी के कुछ फैक्ट्स वगैरह को लेकर, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इस मूवी में फवाद खान जो हैं वो यहाँ पर पाकिस्तान के एक्ट्रेस हैं जो कि हमें इस मूवी में देखने को मिले हैं। और ऐसे में दोस्तों, अगर कुछ अलग अपडेट को लेकर बात करें, तो काफ़ी जो फैंस का यहाँ पर कहना था कि इस मूवी में आलिया भट्ट का रोल है कौन सी जगह पर हमें देखने को मिलता है, तो आपको बताना चाहूँगा इस मूवी में द ब्रेकअप सॉन्ग देखने को मिलता है जो कि DJ पर चलता है, तो वहीं पर हमें आलिया भट्ट का रोल देखने को मिलता है। वहीं पर लास्ट सीन में आपको देखने को मिलता है कुछ क्लिप जो देखने को मिलती है, वहाँ पर शाहरुख खान को भी दिखाया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि इस मूवी में आलिया भट्ट भी और शाहरुख खान भी आधारित हैं जो कि यहाँ पर देखने को मिले हैं, उन्होंने भी रोल किया है, तो काफ़ी लोगों को यहाँ पर नहीं पता है। ऐसे में एक्ट्रेस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। तो यही है दोस्तों कुछ इस मूवी की कहानी फैक्ट्स, और यहाँ पर आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। बाकी दोस्तों, आप सभी से मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में। आज की है वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली अपकमिंग OTT वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर अपडेट्स हैं उनकी सारी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सकें, और आप कोई भी नई मूवी आए वो कैसे और कहाँ पर देख सकते हैं पूरी जानकारी और साथ ही साथ रिव्यू भी देखने को मिल जाते हैं। तो आप हमारे चैनल्स पर बने रहिएगा। मिलते हैं आप सभी से किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ए दिल है मुश्किल मूवी के बारे में। अगर दोस्तों आप इस मूवी को ढूंढ रहे हैं और आप इस मूवी को कैसे हिंदी भाषा में देख पाएंगे, जाने की पूरी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ए दिल है मुश्किल के बारे में। और इस मूवी को अगर आप YouTube पर ढूंढ रहे हैं कैसे कहां पर देखने को मिलेगी, तो आज के इस वीडियो के अंदर सारी जानकारी मिल जाएगी। तो यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। बात करें दोस्तों ए दिल है मुश्किल मूवी के बारे में, तो साल 2016 में रिलीज हुई मूवी, काफ़ी अच्छी खासी रोमांस म्यूजिकल पर आधारित मूवी ए दिल है मुश्किल, जिसको कि डायरेक्ट किया करण जौहर ने। और वहीं पर दोस्तों, इस मूवी की अगर बात कर लें पॉजिटिव रिव्यू को लेकर, तो ऑडियंस की तरफ से काफ़ी ठीक ठाक से रिव्यूज इस मूवी को मिले हुए हैं। वहीं पर अगर इसकी रेटिंग वगैरह को लेकर बात कर लें, तो 5.8 आउट ऑफ 10 की कुछ IMDB की रेटिंग है इस मूवी को मिली हुई है। और वहीं पर इस मूवी को #2nd पार्ट का जो है यहाँ पर पॉपुलर म्यूजिक सर्च का ट्रेड वो भी मिल रखा है। आप यहाँ पर पता ही होगा, जैसे कि रोमांस म्यूजिकल पर आधारित मूवी है, वहीं पर अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आपके लिए बताना चाहूँगा ये जो मूवी है
नेटफ्लिक्स के अलावा अमेजोन पर भी अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, जिसको भी डिजिटल प्रेमर देखना पसंद है, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ऑफिशियली रूप से आप यहां पर देख सकते हैं नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर, जो कि OTT के रूप में आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसे में अगर बात कर लें यूट्यूब को लेकर, तो देखिए दोस्तों, अभी तक ये ऑफिशियली रूप से यूट्यूब पर कोई भी फ्री में अवेलेबल नहीं है, बाकी पैड रूप में आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाएगी। तो आई होप जो भी यूट्यूब को लेकर जानकारी होगी वो आपको क्लियर हो चुकी कि ये जो मूवी है यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो यूट्यूब पर तो आपको पैड रूप में देखने को मिल जाएगी, लेकिन अभी फ्यूचर ऑफिशियल कोई भी चैनल पर ये मूवी अवेलेबल नहीं है। बाकी दोस्तों अगर बात कर लें इस मूवी के बारे में, तो काफ़ी ठीक ठाक अच्छी मूवी है, उस टाइम के टाइम पे आधारित साबित हुई थी। और ऐसे में अगर दोस्तों बात कर लें इस मूवी की कुछ स्टोरी वगैरह को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी लव स्टोरी पर आधारित एक मूवी है। एक जो कह सकते हैं एक लेडीज़ के ऊपर जो कि अलीजे ब्रेकअप से उभरती है, और यहाँ पर एक संगीतकार जैसे कि हमारे भाई साहब रणवीर कपूर जो कि सिंगर के रूप में देखने को मिलते हैं न्यूयॉर्क में, और वहाँ पर उनसे हो जाता है लव, और उसके आगे की जो कहानी है काफ़ी सैडनेस लाइफ से काफ़ी गुजरते हैं दोनों, और काफ़ी दोस्ती और प्यार का आपको काफ़ी वो देखने को मिलता है इस मूवी में, रोमांस देखने को मिलता है। और ये इसकी जो कहानी आपको इसके आसपास ही घूमती रहती है, और काफ़ी लव रोमांस आपको मूवी में देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छी खासी मूवी है, एंड आपको इसकी जो स्टोरी है काफ़ी ज़्यादा जो पसंद है वहाँ पर आ सकती है। वैसे अगर कास्ट लेकर हम बात कर रहे हैं, तो अगर बात कर लें इस मूवी के मैन लीड एक्ट्रेस के बारे में, तो वहीं पर इस मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा, ऐश्वर्या राय बच्चन, फवाद खान, आलिया भट्ट, शाहरुख खान, ऐसे बहुत से जो कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, और काफ़ी ताबड़तोड़ एक्शन जो कह सकते हैं रोमांस मूवी है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ऐसे में दोस्तों काफ़ी जो पॉपुलर सॉन्ग्स हैं इस मूवी में दिए हैं, जो कि काफ़ी ट्रेंड में भी अभी तक देखने को मिलते हैं। वहीं पर अगर दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया इस मूवी के कलेक्शन के बारे में, जैसे कि काफ़ी सुपरहिट साबित हुई थी उस टाइम पे 2016 की करीब, इसका जो बजट था लगभग 50 करोड़ के आसपास था, और इस मूवी ने जो वर्ल्ड वाइड टोटल अगर कलेक्शन की बात करें कि वर्ल्ड वाइड कितना कमाई की है, तो 238 करोड़ के आसपास उस टाइम पे इस मूवी ने जो है कमाई की थी, और काफ़ी ठीक ठाक सी मूवी साबित हुई थी। ऐसे में इस मूवी को लेके पॉजिटिव रिव्यूज़ काफ़ी आए थे। वहीं पर आपको बताना चाहूँगा इस मूवी को करण जौहर बनाने के लिए इंस्पायर हुए थे खुद की पर्सनल लाइफ को लेकर। जी हाँ दोस्तों, करण जौहर इंस्पायर हुए थे खुद की पर्सनल लाइफ को लेके, तब जाके यहाँ पर उन्होंने इस मूवी की कुछ स्क्रिप्ट तैयार की थी और यहाँ पर इस मूवी को बनाने का सोचा था, और काफ़ी मूवी भी ठीक ठाक सी चल गई थी। ऐसे में दोस्तों इस मूवी को आप देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, आप हमें कमेंट में एक बार ज़रूर बताइए कि आप इस मूवी को देख चुके हैं या फिर देखने चाहते हैं, तो अपनी राय के बारे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों को लगता है कि ये मूवी देखने लायक है या फिर हमें देखनी चाहिए, तो अगर दोस्तों आपको रोमांस म्यूजिकल मूवी देखना पसंद है, लव स्टोरी मूवीज देखना पसंद है, तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं और इस मूवी का एंजॉय वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको मूवी कहीं ना कहीं काफ़ी जो पसंद है वो यहाँ पर आ सकती है। और वैसे दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि इस मूवी ने काफ़ी अच्छे खासे सॉन्ग्स हैं वो यहाँ पर दिए हैं, जिसमें कि सबसे पहले पॉपुलर सॉन्ग ऐ दिल मुश्किल, बुलिया, द ब्रेकअप सॉन्ग, चन्ना मेरेया, ऐसे बहुत से सॉन्ग्स हैं इस मूवी से जो है हमें देखने को मिले हैं, और काफ़ी आज के टाइम में भी ट्रेंड में चल रहे हैं। तो ऐसे में काफ़ी ठीक ठाक सी मूवी हो जाती है। तो जो लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर देख सकते हैं। और अगर कुछ बात कर लें इस मूवी के सैटेलाइट प्रीमियर के बारे में, तो सैटेलाइट प्रीमियर के जो राइट्स हैं अवेलेबल हैं YPM18 के पास, और इस मूवी के आए दिन जो TV प्रीमियर होता रहता है कलर सिनेप्लेक्स चैनल पर, और जब इस मूवी को रिलीज़ करके सिनेमाघरों के बाद OTT पर होने के बाद ये मूवी हमें देखने को मिली थी TV पर फर्स्ट टाइम कलर्स चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, कलर्स TV पर ये प्रीमियर की गई थी, क्योंकि उस टाइम पर ना ही कलर्स YPM18 का कोई कलर्स मूवी कोई चैनल नहीं था, तो इस टाइप से उस टाइम पर कलर्स TV जो सीरियल का चैनल है वहाँ पर इस मूवी का TV प्रीमियर फर्स्ट टाइम पर हमें देखने को मिला था। और कुछ टाइम में अब आपको ये जो मूवी है देखने को मिलती रहती है कलर्स सिनेप्लेक्स, कलर्स सिनेप्लेक्स सुपर हिट्स, कलर्स सिनेप्लेक्स बॉलीवुड, इन चैनल्स पर देखने को आए दिन मिलती रहती है। तो ऐसे में जो मूवी है आप नेटफ्लिक्स अमेजोन पर वॉच कर सकते हैं। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी के कुछ फैक्ट्स वगैरह को लेकर, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इस मूवी में
फवाद खान जो हैं वो यहाँ पर पाकिस्तान के एक्ट्रेस हैं जो कि हमें इस मूवी में देखने को मिले हैं। और ऐसे में दोस्तों अगर कुछ अलग अपडेट को लेकर बात करें तो काफ़ी जो फैंस का यहाँ पर कहना था कि इस मूवी में आलिया भट्ट का रोल है कौन सी जगह पर हमें देखने को मिलता है, तो आपको बताना चाहूँगा इस मूवी में द ब्रेकअप सॉन्ग देखने को मिलता है जो कि डीजे पर चलता है, तो वहीं पर हमें आलिया भट्ट का रोल देखने को मिलता है। वहीं पर लास्ट सीन में आपको देखने को मिलता है कुछ क्लिप जो देखने को मिलती है वहाँ पर शाहरुख खान को भी दिखाया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि इस मूवी में आलिया भट्ट भी और शाहरुख खान भी आधारित हैं जो कि यहाँ पर देखने को मिले हैं, उन्होंने भी रोल किया है, तो काफ़ी लोगों को यहाँ पर नहीं पता है। ऐसे में एक्ट्रेस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। तो यही है दोस्तों कुछ इस मूवी की कहानी फैक्ट्स, और यहाँ पर आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। बाकी दोस्तों आप सभी से मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में। आज की है वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली अपकमिंग OTT वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर अपडेट्स हैं उनकी सारी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सकें, और आप कोई भी नई मूवी आए वो कैसे और कहाँ पर देख सकते हैं पूरी जानकारी और साथ ही साथ रिव्यू भी देखने को मिल जाते हैं। तो आप हमारे चैनल्स पर बने रहिएगा। मिलते हैं आप सभी से किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में। वीडियो देखने के लिए सो क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। गाइस आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ऐ दिल है मुश्किल मूवी के बारे में। अगर दोस्तों आप इस मूवी को ढूंढ रहे हैं और आप इस मूवी को कैसे हिंदी भाषा में देख पाएंगे जाने की पूरी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ऐ दिल है मुश्किल के बारे में। और इस मूवी को अगर आप YouTube पर ढूंढ रहे हैं कैसे कहां पर देखने को मिलेगी तो आज के इस वीडियो के अंदर सारी जानकारी मिल जाएगी। तो यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। बात करें दोस्तों ऐ दिल है मुश्किल मूवी के बारे में, तो साल 2016 में रिलीज हुई मूवी काफ़ी अच्छी खासी रोमांस म्यूजिकल पर आधारित मूवी ऐ दिल है मुश्किल, जिसको की डायरेक्ट किया करण जौहर ने। और वहीं पर दोस्तों इस मूवी की अगर बात कर लें पॉजिटिव रिव्यू को लेकर, तो ऑडियंस की तरफ से काफ़ी ठीक ठाक से रिव्यूज इस मूवी को मिले हुए हैं। वहीं पर अगर इसकी रेटिंग वगैरह को लेकर बात कर लें तो 5.8 आउट ऑफ 10 की कुछ IMDB की रेटिंग है इस मूवी को मिली हुई है। और वहीं पर इस मूवी को हैश सेकेंड पार्ट का जो है यहाँ पर पॉपुलर म्यूजिक सर्च का ट्रेड वो भी मिल रखा है। आप यहाँ पर पता ही होगा जैसे कि रोमांस म्यूजिकल पर आधारित मूवी है। वहीं पर अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आपके लिए बताना चाहूँगा ये जो मूवी है नेटफ्लिक्स के अलावा Amazon पर भी अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, जिसको भी डिजिटल प्रेमर देखना पसंद है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ऑफिशियली रूप से आप यहां पर देख सकते हैं नेटफ्लिक्स और Amazon पर, जो कि OTT के रूप में आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसे में अगर बात कर लें यूट्यूब को लेकर, तो देखिए दोस्तों अभी तक ये ऑफिशियली रूप से यूट्यूब पर कोई भी फ्री में अवेलेबल नहीं है, बाकी पैड रूप में आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाएगी। तो आई होप जो भी यूट्यूब को लेकर जानकारी होगी वो आपको क्लियर हो चुकी कि ये जो मूवी है यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो यूट्यूब पर तो आपको पैड रूप में देखने को मिल जाएगी, लेकिन अभी फ्यूचर ऑफिशियल कोई भी चैनल पर ये मूवी अवेलेबल नहीं है। बाकी दोस्तों अगर बात कर लें इस मूवी के बारे में, तो काफ़ी ठीक ठाक अच्छी मूवी है, उस टाइम के टाइम पे आधारित साबित हुई थी। और ऐसे में अगर दोस्तों बात कर लें इस मूवी की कुछ स्टोरी वगैरह को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी लव स्टोरी पर आधारित एक मूवी है। एक जो कह सकते हैं एक लेडीज़ के ऊपर जो कि अलीजे ब्रेकअप से उभरती है, और यहाँ पर एक संगीतकार जैसे कि हमारे भाई साहब रणवीर कपूर जो कि सिंगर के रूप में देखने को मिलते हैं न्यूयॉर्क में, और वहाँ पर उनसे हो जाता है लव, और उसके आगे की जो कहानी है काफ़ी सैडनेस लाइफ से काफ़ी गुजरते हैं दोनों, और काफ़ी दोस्ती और प्यार का आपको काफ़ी वो देखने को मिलता है इस मूवी में, रोमांस देखने को मिलता है। और ये इसकी जो कहानी आपको इसके आसपास ही घूमती रहती है, और काफ़ी लव रोमांस आपको मूवी में देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छी खासी मूवी है, एंड आपको इसकी जो स्टोरी है काफ़ी ज़्यादा जो पसंद है वहाँ पर आ सकती है। वैसे अगर कास्ट लेकर हम बात कर रहे हैं, तो अगर बात कर लें इस मूवी के मैन लीड एक्ट्रेस के बारे में, तो वहीं पर इस मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा, ऐश्वर्या राय बच्चन, फवाद खान, आलिया भट्ट, शाहरुख खान, ऐसे बहुत से जो कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और काफ़ी ताबड़तोड़ एक्शन जो कह सकते हैं रोमांस मूवी है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ऐसे में दोस्तों काफ़ी जो पॉपुलर सॉन्ग्स हैं इस मूवी में दिए हैं जो कि काफ़ी ट्रेंड में भी अभी तक देखने को मिलते हैं। वहीं पर अगर दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया इस मूवी के
कलेक्शन के बारे में, जैसे कि काफ़ी सुपरहिट साबित हुई थी उस टाइम पे 2016 की करीब। इसका जो बजट था लगभग 50 करोड़ के आसपास था और इस मूवी ने जो वर्ल्ड वाइड टोटल अगर कलेक्शन की बात करें कि वर्ल्ड वाइड कितना कमाई की है तो 238 करोड़ के आसपास उस टाइम पे इस मूवी ने जो है कमाई की थी और काफ़ी ठीक ठाक सी मूवी साबित हुई थी। ऐसे में इस मूवी को लेके पॉजिटिव रिव्यूज काफ़ी आए थे। वहीं पर आपको बताना चाहूँगा, इस मूवी को करण जौहर बनाने के लिए इंस्पायर हुए थे खुद की पर्सनल लाइफ को लेकर। जी हाँ दोस्तों, करण जौहर इंस्पायर हुए थे खुद की पर्सनल लाइफ को लेके, तब जाके यहाँ पर उन्होंने इस मूवी की कुछ स्क्रिप्ट तैयार की थी और यहाँ पर इस मूवी को बनाने का सोचा था और काफ़ी मूवी भी ठीक ठाक सी चल गई थी। ऐसे में दोस्तों, इस मूवी को आप देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं आप हमें कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं कि आप इस मूवी को देख चुके हैं या फिर देखने चाहते हैं, तो अपनी राय के बारे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों को लगता है कि ये मूवी देखने लायक है या फिर हमें देखनी चाहिए, तो अगर दोस्तों आपको रोमांस म्यूजिकल मूवी देखना पसंद है, लव स्टोरी मूवीज देखना पसंद है, तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं और इस मूवी का एंजॉय वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको मूवी कहीं ना कहीं काफ़ी जो पसंद है वो यहाँ पर आ सकती है। और वैसे दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस मूवी ने काफ़ी अच्छे खासे सॉन्ग्स हैं वो यहाँ पर दिए हैं, जिसमें कि सबसे पहले पॉपुलर सॉन्ग ए दिल मुश्किल, बुलिया, द ब्रेकअप सॉन्ग, चन्ना मेरेया, ऐसे बहुत से सॉन्ग्स हैं इस मूवी से जो हैं हमें देखने को मिले हैं और काफ़ी आज के टाइम में भी ट्रेंड में चल रहे हैं। तो ऐसे में काफ़ी ठीक ठाक सी मूवी हो जाती है। तो जो लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर देख सकते हैं। और अगर कुछ बात कर लें इस मूवी के सैटेलाइट प्रीमियर के बारे में, तो सैटेलाइट प्रीमियर के जो राइट्स हैं अवेलेबल हैं YPM18 के पास। और इस मूवी के आए दिन जो TV प्रीमियर होता रहता है कलर सिनेप्लेक्स चैनल पर, और जब इस मूवी को रिलीज़ करके सिनेमाघरों के बाद OTT पर होने के बाद ये मूवी हमें देखने को मिली थी TV पर फर्स्ट टाइम कलर्स चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, कलर्स TV पर ये प्रीमियर की गई थी, क्योंकि उस टाइम पर ना ही कलर्स YPM18 का कोई कलर्स मूवी कोई चैनल नहीं था, तो इस टाइप से उस टाइम पर कलर्स TV जो सीरियल का चैनल है वहाँ पर इस मूवी का TV प्रीमियर फर्स्ट टाइम पर हमें देखने को मिला था। और कुछ टाइम में अब आपको ये जो मूवी है देखने को मिलती रहती है कलर्स सिनेप्लेक्स, कलर्स सिनेप्लेक्स सुपर हिट्स, कलर्स सिनेप्लेक्स बॉलीवुड, इन चैनल्स पर देखने को आए दिन मिलती रहती है। तो ऐसे में जो मूवी है आप नेटफ्लिक्स अमेजोन पर वॉच कर सकते हैं। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी के कुछ फैक्ट्स वगैरह को लेकर, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इस मूवी में फवाद खान जो हैं वो यहाँ पर पाकिस्तान के एक्ट्रेस हैं जो कि हमें इस मूवी में देखने को मिले हैं। और ऐसे में दोस्तों, अगर कुछ अलग अपडेट को लेकर बात करें, तो काफ़ी जो फैंस का यहाँ पर कहना था कि इस मूवी में आलिया भट्ट का रोल है कौन सी जगह पर हमें देखने को मिलता है, तो आपको बताना चाहूँगा इस मूवी में द ब्रेकअप सॉन्ग देखने को मिलता है जो कि DJ पर चलता है, तो वहीं पर हमें आलिया भट्ट का रोल देखने को मिलता है। वहीं पर लास्ट सीन में आपको देखने को मिलता है कुछ क्लिप जो देखने को मिलती है, वहाँ पर शाहरुख खान को भी दिखाया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि इस मूवी में आलिया भट्ट भी और शाहरुख खान भी आधारित हैं जो कि यहाँ पर देखने को मिले हैं, उन्होंने भी रोल किया है, तो काफ़ी लोगों को यहाँ पर नहीं पता है। ऐसे में एक्ट्रेस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। तो यही है दोस्तों कुछ इस मूवी की कहानी फैक्ट्स, और यहाँ पर आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। बाकी दोस्तों, आप सभी से मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट अंदर वीडियो में। आज की है वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली अपकमिंग OTT वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर अपडेट्स हैं उनकी सारी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सकें, और आप कोई भी नई मूवी आए वो कैसे और कहाँ पर देख सकते हैं पूरी जानकारी और साथ ही साथ रिव्यू भी देखने को मिल जाते हैं। तो आप हमारे चैनल्स पर बने रहिएगा। मिलते हैं आप सभी से किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सो क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ए दिल है मुश्किल मूवी के बारे में। अगर दोस्तों आप इस मूवी को ढूंढ रहे हैं और आप इस मूवी को कैसे हिंदी भाषा में देख पाएंगे, जाने की पूरी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ए दिल है मुश्किल के बारे में। और इस मूवी को अगर आप YouTube पर ढूंढ रहे हैं कैसे कहां पर देखने को मिलेगी, तो आज के इस वीडियो के अंदर सारी जानकारी मिल जाएगी। तो यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। बात करें दोस्तों ए दिल है मुश्किल मूवी के बारे में, तो साल 2016 में रिलीज हुई मूवी, काफ़ी अच्छी खासी रोमांस म्यूजिकल पर आधारित मूवी ए दिल है मुश्किल, जिसको की डायरेक्ट किया करण जौहर ने
और वहीं पर दोस्तों इस मूवी की अगर बात कर लें पॉजिटिव रिव्यू को लेकर, तो ऑडियंस की तरफ से काफ़ी ठीक ठाक से रिव्यूज इस मूवी को मिले हुए हैं। वहीं पर अगर इसकी रेटिंग वगैरह को लेकर बात कर लें तो 5.8 आउट ऑफ 10 की कुछ IMDB की रेटिंग है इस मूवी को मिली हुई है। और वहीं पर इस मूवी को हैश सेकेंड पार्ट का जो है यहाँ पर पॉपुलर म्यूजिक सर्च का ट्रेड वो भी मिल रखा है। आप यहाँ पर पता ही होगा जैसे कि रोमांस म्यूजिकल पर आधारित मूवी है। वहीं पर अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आपके लिए बताना चाहूँगा ये जो मूवी है नेटफ्लिक्स के अलावा Amazon पर भी अवेलेबल है। जी दोस्तों, जिसको भी डिजिटल प्रेमर देखना पसंद है, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ऑफिशियली रूप से आप यहां पर देख सकते हैं Netflix और Amazon पर, जो कि OTT के रूप में आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसे में अगर बात कर लें YouTube को लेकर, तो देखिए दोस्तों अभी तक ये ऑफिशियली रूप से YouTube पर कोई भी फ्री में अवेलेबल नहीं है, बाकी पैड रूप में आपको YouTube पर भी देखने को मिल जाएगी। तो आई होप जो भी YouTube को लेकर जानकारी होगी वो आपको क्लियर हो चुकी कि ये जो मूवी है YouTube पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो YouTube पर तो आपको पैड रूप में देखने को मिल जाएगी, लेकिन अभी YouTube ऑफिशियल कोई भी चैनल पर ये मूवी अवेलेबल नहीं है। बाकी दोस्तों अगर बात कर लें इस मूवी के बारे में, तो काफ़ी ठीक ठाक अच्छी मूवी है, उस टाइम के टाइम पे आधारित साबित हुई थी। और ऐसे में अगर दोस्तों बात कर लें इस मूवी की कुछ स्टोरी वगैरह को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी लव स्टोरी पर आधारित एक मूवी है। एक जो कह सकते हैं एक लेडीज के ऊपर जो कि अलीजे ब्रेकअप से उभरती है, और यहाँ पर एक संगीतकार जैसे कि हमारे भाई साहब रणवीर कपूर जो कि सिंगर के रूप में देखने को मिलते हैं न्यूयॉर्क में, और वहाँ पर उनसे हो जाता है लव, और उसके आगे की जो कहानी है काफ़ी सैडनेस लाइफ से काफ़ी गुजरते हैं दोनों, और काफ़ी दोस्ती और प्यार का आपको काफ़ी वो देखने को मिलता है इस मूवी में, रोमांस देखने को मिलता है। और ये इसकी जो कहानी आपको इसके आसपास ही घूमती रहती है, और काफ़ी लव रोमांस आपको मूवी में देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छी खासी मूवी है, एंड आपको इसकी जो स्टोरी है काफ़ी ज़्यादा जो पसंद है वहाँ पर आ सकती है। वैसे अगर कास्ट लेकर हम बात कर रहे हैं, तो अगर बात कर लें इस मूवी के मैन लीड एक्ट्रेस के बारे में, तो वहीं पर इस मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा, ऐश्वर्या राय बच्चन, फवाद खान, आलिया भट्ट, शाहरुख खान, ऐसे बहुत से जो कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और काफ़ी ताबड़तोड़ एक्शन जो कह सकते हैं रोमांस मूवी है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ऐसे में दोस्तों काफ़ी जो पॉपुलर सॉन्ग्स हैं इस मूवी में दिए हैं, जो कि काफ़ी ट्रेंड में भी अभी तक देखने को मिलते हैं। वहीं पर अगर दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया इस मूवी के कलेक्शन के बारे में, जैसे कि काफ़ी सुपरहिट साबित हुई थी उस टाइम पे 2016 के करीब, इसका जो बजट था लगभग 50 करोड़ के आसपास था, और इस मूवी ने जो वर्ल्ड वाइड टोटल अगर कलेक्शन की बात करें कि वर्ल्ड वाइड कितना कमाई की है, तो 238 करोड़ के आसपास उस टाइम पे इस मूवी ने जो है कमाई की थी, और काफ़ी ठीक ठाक सी मूवी साबित हुई थी। ऐसे में इस मूवी को लेके पॉजिटिव रिव्यूज़ काफ़ी आए थे। वहीं पर आपको बताना चाहूँगा इस मूवी को करण जौहर बनाने के लिए इंस्पायर हुए थे खुद की पर्सनल लाइफ को लेकर। जी हाँ दोस्तों, करण जौहर इंस्पायर हुए थे खुद की पर्सनल लाइफ को लेके, तब जाके यहाँ पर उन्होंने इस मूवी की कुछ स्क्रिप्ट तैयार की थी और यहाँ पर इस मूवी को बनाने का सोचा था, और काफ़ी मूवी भी ठीक ठाक सी चल गई थी। ऐसे में दोस्तों इस मूवी को आप देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, आप हमें कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं कि आप इस मूवी को देख चुके हैं या फिर देखने चाहते हैं, तो अपनी राय के बारे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों को लगता है कि ये मूवी देखने लायक है या फिर हमें देखनी चाहिए, तो अगर दोस्तों आपको रोमांस म्यूजिकल मूवी देखना पसंद है, लव स्टोरी मूवीज देखना पसंद है, तो आप बेशक इस मूवी की तरफ जा सकते हैं और इस मूवी का इन्जॉय वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको मूवी कहीं ना कहीं काफ़ी जो पसंद है वो यहाँ पर आ सकती है। और वैसे दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि इस मूवी ने काफ़ी अच्छे खासे सॉन्ग्स हैं वो यहाँ पर दिए हैं, जिसमें कि सबसे पहले पॉपुलर सॉन्ग ए दिल मुश्किल, बुलिया, द ब्रेकअप सॉन्ग, चन्ना मेरेया, ऐसे बहुत से सॉन्ग्स हैं इस मूवी से जो हैं हमें देखने को मिले हैं, और काफ़ी आज के टाइम में भी ट्रेंड में चल रहे हैं। तो ऐसे में काफ़ी ठीक ठाक सी मूवी हो जाती है। तो जो लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो Netflix और Amazon पर देख सकते हैं। और अगर कुछ बात कर लें इस मूवी के सैटेलाइट प्रीमियर के बारे में, तो सैटेलाइट प्रीमियर के जो राइट्स हैं अवेलेबल हैं YPM18 के पास, और इस मूवी के आए दिन जो TV प्रीमियर होता रहता है कलर सिनेप्लेक्स चैनल पर, और जब इस मूवी को रिलीज़ करके सिनेमाघरों के बाद OTT पर होने के बाद ये मूवी हमें देखने को मिली थी TV पर फर्स्ट टाइम,
टाइम कलर्स चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, कलर्स टीवी पर ये प्रीमियर की गई थी, क्योंकि उस टाइम पर ना ही कलर्स YP19 का कोई कलर्स मूवी कोई चैनल नहीं था, तो इस टाइप से उस टाइम पर कलर्स टीवी जो सीरियल का चैनल है वहाँ पर इस मूवी का टीवी प्रीमियर फर्स्ट टाइम पर हमें देखने को मिला था। और कुछ टाइम में अब आपको ये जो मूवी है देखने को मिलती रहती है कलर्स सिनेप्लेक्स सुपर हिट्स, कलर्स सिनेप्लेक्स बॉलीवुड, इन चैनल्स पर देखने को आए दिन मिलती रहती है। तो ऐसे में जो मूवी है आप नेटफ्लिक्स अमेजोन पर वॉच कर सकते हैं। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी के कुछ फैक्ट्स वगैरह को लेकर, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इस मूवी में फवाद खान जो हैं वो यहाँ पर पाकिस्तान के एक्ट्रेस हैं जो कि हमें इस मूवी में देखने को मिले हैं। और ऐसे में दोस्तों अगर कुछ अलग अपडेट को लेकर बात करें, तो काफ़ी जो फैंस का यहाँ पर कहना था कि इस मूवी में आलिया भट्ट का रोल है कौन सी जगह पर हमें देखने को मिलता है, तो आपको बताना चाहूँगा इस मूवी में द ब्रेकअप सॉन्ग देखने को मिलता है जो कि डीजे पर चलता है, तो वहीं पर हमें आलिया भट्ट का रोल देखने को मिलता है। वहीं पर लास्ट सीन में आपको देखने को मिलता है कुछ क्लिप जो देखने को मिलती है, वहाँ पर शाहरुख खान को भी दिखाया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि इस मूवी में आलिया भट्ट भी और शाहरुख खान भी आधारित हैं जो कि यहाँ पर देखने को मिले हैं, उन्होंने भी रोल किया है, तो काफ़ी लोगों को यहाँ पर नहीं पता है। ऐसे में एक्ट्रेस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। तो यही है दोस्तों कुछ इस मूवी की कहानी फैक्ट्स, और यहाँ पर आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। बाकी दोस्तों आप सभी से मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट अंदर वीडियो में। आज की है वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली अपकमिंग OTT वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर अपडेट्स हैं उनकी सारी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सकें, और आप कोई भी नई मूवी आए वो कैसे और कहाँ पर देख सकते हैं पूरी जानकारी और साथ ही साथ रिव्यू भी देखने को मिल जाते हैं। तो आप हमारे चैनल्स पर बने रहिएगा। मिलते हैं आप सभी से किसी और नेक्स्ट शानदार वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।